Assalamu alaikum, welcome back to another hour of Gham. This is Yusra Murtaza, your host. And today I have amazing co-host, the best friends, Khayam Sajid. Hello. And Sayyida Varda Ali, how are you guys? Assalamu alaikum. Itta amazing main hoon nahi waise jitna inhone exaggerate kiya. Main hoon. Exaggerate kiya. Main hoon. वर्दा को पता है वो है खयाम आप भी मान लें लाइक थोड़ा सा नहीं 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 खयाम ये मान लें कि मैं अमेजिंग हूँ नहीं नहीं मैं सेल्फ डिनायल में नहीं जा सकता उनकी तरह खैर काश मैं आपको ये बता सकती जो इस पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग से थोड़ा पहले हो रहा था लेकिन वो किसी और ने भी विटनेस किया है तो हम उसकी तरफ चलते हैं सो टुनाइट वी हैव द मोस्ट क्या बोलना चाहिए मुझे वैसे खैर फन फन एंड किसी ने इस सेट को ना किसी ने वो दिया था एक टाइटल दिया था कि प्रोफेशनल फन हैवर प्रोफेशनल फन हैवर कंटेंट क्रिएटर प्रो टेबल टेनिस प्लेयर हमारे साथ आज मौजूद हैं द वन एंड ओनली बलाज खान फ्रेम में आ गए भाई तुम्हें तो जैसे कि यूसरा कह रही थी इस पॉडकास्ट के स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा दंगल हो रहा था इधर हो रहा था ना आपने विटनेस कर लिया जी खयाम आपने क्यों नहीं टैग किया वर्दा को उस पोस्ट में जो आपका सवाल है ना उसका जो जवाब है वो ऐसे है कि उसका जवाब मैं देना नहीं चाहता क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं व्हाटएवर अच्छा आंसर है अच्छा आंसर है गुड अच्छा खैर तो ये बैक स्टोरी थोड़ी सी हम नहीं देंगे लेकिन लोगों ने जो है वो हमें मना किया था बट खैर हम आपको बस थोड़ा सा बताना चाह रहे थे कि ये सिलसिला चल रहा था नहीं आप बता सकती हैं सेड कि मैं बहुत फुप्पी बन रही होती हूँ लास्ट पॉडकास्ट में भी बट आई एम हैप्पी बलाज आप आज मेरे साथ हैं एंड देन यू नो आपको बेसिकली आप और मैं दोनों फुप्पियां बने हैं आज हम जो है ना एम्ब्रेस द फुप्पीनेस यस सो बट हम पहले थोड़ा सा आपका स्टार्ट करेंगे यू नो जस्ट टू गिव सॉर्ट ऑफ लाइक एक्सप्लेन आप खुद ही कर दे ऑडियंस को कि यू नो हम थोड़े से खुद ही लेजी हैं हम नहीं एक्सप्लेन करते कि ऑडियंस क्या कौन क्या कर रहा था और हम गेस्ट को भूल भी जाते हैं और हम गेस्ट को भूल भी जाते हैं फेयर वार्निंग ठीक है कोशिश करेंगे कि आप हमें याद करा दें आपने खुद ही अपने आप को जो है ना बीच में पार्टिसिपेट करना आप खुद ही जगह खुद बनानी है कि आप क्या करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना मेरा नाम बलाज खान है थैंक यू मोहम्मद बलाज थैंक यू मैं टर्की में पढ़ता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ बचपन से मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ बट मैं टर्की में पढ़ता हूँ क्या पढ़ता हूँ न्यू मीडिया ये बाय द वे मेरे से इतने लोगों ने पूछ लिया कि मुझे पूरी चीज़ याद हो मैं न्यू मीडिया पढ़ता हूँ फॉर एवरीवन हु इज़ वंडरिंग न्यू मीडिया क्या इट्स जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएशन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हर चीज़ से थोड़ी थोड़ी चीज़ निकाल के आप एक कोर्स बना दें इट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस लाइक सरप्राइजिंगली मतलब It's like journalism में मेरा कोई interest नहीं है but there's so many other things that I actually like तो I can obviously go for all of them makes sense तो मैं new media कर रहा हूँ आजकल मैं छुट्टियों पे आया हूँ so yeah और अभी मैं गमार podcast पे thank you so much sir आने के लिए milestone achieved yes I agree you're welcome but खैर बलाज आप ना जब बता रहे थे तो थोड़ा सा आपने ना starting में मैं टर्की में पढ़ता हूँ थोड़ा टर्की में पढ़ता हूँ थोड़ा गम था आप दोनों का कॉमन सा वर्दा और बलाज का के पूरा अच्छा जब हमने स्टार्ट की थी ना तो लोगों ने नीचे आके हम सबको बर्गर बोला था लेकिन मुझे तो कुछ लेकिन आज हम एक्चुअल बर्गर वर्दा से पूछते हैं नहीं नहीं मेरा गम ये है कि कुछ लोग स्पेशली जो मेरे टेबल के उस पार बैठे हुए हैं उन्होंने तो मुझे इतना अटैक किया इस बात पे कि आप बर्गर हैं आप ये हैं आप वो हैं और फिर मुझे पता चला कि यू फेस्ड द सेम थिंग्स इन लाइफ सेम आपको बातें शातें सुनने को मिलती थी वो भी अगर आपके अपने को वर्कर्स आपके अपने दोस्तों से मिले और तो मतलब और आप जो बसर में बर्गर ना हो तो फिर जो दुख होता है वो एक अलहदा गम है सो बताएं आप बताएं बैकग्राउंड में कॉफी डांस वाला वो म्यूजिक लगा लगा दे बल्कि जवाब प्लीज लगा ले आई म्यूजिक लगा मैं आपको अब आई विल रन यू थ्रू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट बीइंग अ बर्गर इज एंड मेरा जो बर्गर होने से पाला पड़ा था बेसिकली वो इस तरह था कि आई ऑल्सो मेड कॉन्टेंट ऑन टिकटॉक एंड फॉर सम रीज़न पूरी ऑडियंस मुझे कहती थी कि तुम बर्गर हो शुरू में ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय करती थी और ऑनेस्टली आज तक कहते हैं लाइक मैंने कोई भी वीडियो करता हूँ हर कोई बर्गर इमोजीज भेज रहा होता है शुरू में मुझे ये चीज़ बहुत अनॉय करती थी बट देन एक यूजली मेरी वीडियोज़
आई यूज टू गो टू 20-30K व्यू काउंट, उससे ज़्यादा नहीं जाती. मैंने एक दिन वीडियो बना थी वाई बींग बर्गर इज नॉट बैड दैट बैड, उसके 300K व्यू. Amount wow. of you think that's a good thing, but the amount of hate I got from the audience. I know. But khair, ye hua mera account ban ho gaya, probably because like I got mass reported. Usi just because I was a burger. So khair, burger is unke saath na bahut video nahi banaya iske baad. Burger got offended. Abhi there is more to it. Okay, to mere burgerism ke saath bahut zyada gham associated hai. Usi ke liye humne show banaya. Acha, aaj sab keh dijiyega. Ek context ke liye ki aap content banate hain, aapne ye apne introduction ke andar ye bola. I am a content creator, YouTube, Instagram, TikTok. इधर कहीं एडिटर ऐड डाल इंस्टाग्राम आपका ऐड कर देंगे हम आपका. हाँ, इंस्टाग्राम आपका वैसे आएगा स्क्रीन के ऊपर, बाकी सब डिस्क्रिप्शन में होगा. तो हाँ, और वो क्यों आपने कभी सोचा कि क्यों कहते हैं आपको बर्गर? मैं बड़ा परेशान था क्योंकि मुझे शुरू में मेरे जो सर्कल्स होते थे दोस्तों के, वही कुछ लोग मुझे, मेरे कजन्स के लिए मैं थोड़ा फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्म मेला था और पिंडी था. अच्छा. हाँ, Exactly. और अभी आई विल गेट इनटू दैट. उनके लिए मैं पिंडी था और अपने दोस्तों के लिए मैं बर्गर था और कुछ लोगों के लिए मैं बिल्कुल उन्हीं जैसा था. तो मैंने आई रियलाइज कि मैं ना एक कोई बीच वाली चीज़ हूँ और मैंने अपने आप को शॉर्मा क्रिएट करना, शॉर्मा वाले बच्चे अपना नाम दे दिया अपने लिए, वरना लोग और भी बहुत कुछ कहते हैं. देन आई रियलाइज काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस और यू नो ऑब्जर्वेशन के बाद आई रियलाइज बर्गरिज्म, पिंडी बॉयज़म, ये सारी चीज़ें, दीज आर दिस इज़ अ स्पेक्ट्रम. बर्गर बींग लाइक द एक द एक्सट्रीम बर्गर, एक्सट्रीम मेला, उसके बीच में ना देयर्स अ लॉट ऑफ अदर, और बीच में आ जाए तो फॉर जो मैंने टर्म इजाद की भी है शॉर्मा के. तो मेरे कजन्स लाए, नॉट लाइक मेरे कजन्स बट जो लोग मुझे बर्गर कह रहे होते हैं, दे लाए वेरी फार ऑन दैट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, और जो मुझे कुछ और कह रहे होते हैं दे लाए ऑन दैट साइड. इट्स वेरी सब्जेक्टिव फॉर पीपल. एग्जैक्टली, हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा, सो प्लीज डोंट फील बैड. इट्स ओके. बर्गर जिस हर चीज़ एक कैफियत होती है, राइट? एग्जैक्टली. तो आई थिंक बर्गर जनरली जो लोग बर्गर किसी को कहते हैं. अच्छा, जनरली जब कहा जाता है तो फिर क्यों कहा जाता है किसी को बर्गर? जनरली जिस तरह आपकी कंटेंट के हवाले से मैं कहूँ, आपके आपके यार मैंने तो कहा, इनिशिएट ही नहीं किया इनको, तो लोगों ने, ऑडियंस ने कहा है बर्गर, इन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया. आपको ऑडियंस ने कहा है? 8 महीने से आप मुझे कह रहे हैं वो किसी खाते में नहीं आता. एलीट कहा था वैसे उन्होंने, द करेक्ट टर्म आई रिमेम्बर. आई थिंक एलीट कहना इतना कुछ बुरा तो नहीं है, लाइक but it's said in a very condescending way. Nahin, that's the thing. Like if you have a phone, expensive phone and you have everything, to main to mazak karta hu sir muzammil bhai ko main kehta hu na, ha waise khayal mazak muzammil, ha to main muzammil ko kehta hu, like main mazak mein jisko bhi kehta hu. Burger maine aapko nahi kaha, burger logon ne aapko kaha tha, aap offend hui aur aapne kaha kis tarah badla lun, khayal tumne kaha tha. Ha zindagi mein aur koi kaam nahi hai, khayal chalo agree kar liya vardhan aaj. Thank you sir for your addition. Generally aapke content ke hawale se agar baat kare तो जो स्पेक्ट्रम वाली आपने बात की है, वो इंस्टाग्राम में आपको इतने ज्यादा लोग बर्गर नहीं कहते होंगे. रेयरली. हाँ, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम इज अपर मिडिल क्लास प्लेटफॉर्म, टिकटॉक इज, आई लाइक वेयर दिस इज गोइंग. यस, सो टिकटॉक इज अ मैस मार्केट प्लेटफॉर्म. यप. डिफरेंट SECs होती हैं, SECs सोशल इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं, ठीक है, ABCD, A elite होती है, फिर अपर मिडिल क्लास बी, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर लाइक अंडर द पॉवर्टी लाइन, तो वो ABCDE से एसोसिएट होती हैं. तो जो टिकटॉक है, टिकटॉक पहले जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब है और नेटफ्लिक्स है, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, टीवी हम लोग स्टैंडर्ड टीवी तो देखते नहीं हैं, और यूट्यूब से सारा कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं, उन लोगों के लिए ना एक टीवी था, और उनको जब टिकटॉक के अंदर इंस्टाग्राम में खोलते थे वो कहते थे यार ये लोग लाइक कौन लोग हैं, ये लाइक सेलिब्रिटीज हैं यहाँ पर क्या. और फेसबुक, बिकॉज़ टिकटॉक इज इजीयर टू यूज ना, तो वो इसलिए भी, तो उन लोगों ने जो एवरीवन इज अ क्रिएटर ऑन टिकटॉक ऑलरेडी, उसका इंटरफेस ही है. हां, तो वो जो टिकटॉक जब आया तो उसने बैरियर ऑफ मेकिंग कंटेंट हटा दिया, कि आप जो भी हो, आपको जरूरी नहीं है कैमरा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं, आप टिकटॉक पर ही वीडियो बनाओ, टिकटॉक पर ही एडिट करो, टिकटॉक पर ही अपलोड करो. और आप देखिए इंस्टाग्राम के ऊपर जितनी मर्जी रीच हो, टिकटॉक पे बहुत वायरल रीच होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मजदूर है, वो जो लाइक मसाला बना रहा है, उसका सीमेंट बना रहा है, उसकी तरह के लोग उसको देख के कनेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भी बनाएंगे. रिलेटेबिलिटी. या दे नेवर सॉ समवन फ्रॉम देयर ओन बीइंग अ स्टार.
Yes, exactly. 100%. Yeah, they always saw celebrities as someone very unapproachable, someone जिसकी जिंदगी ऐसी है जो वो कभी imagine भी नहीं कर सकते. Exactly. अब वो देख रहे हैं जो के जहाँ पे जो उनके जैसा बंदा है. हाँ, exactly. अच्छा ये भी है तो इसका मतलब है मैं भी स्टार हूँ. तो मैं कल भी ये बात कर रहा था कि वो वीडियो वो जब कराची में पानी आया था ना तो वो वीडियो मशहूर हुई थी कि लोग लाइक नहा रहे हैं और जंपे मार रहे हैं लाइक फुल इंजॉय कर रहे हैं. हम लोग कभी भी ना करते हम रो रहे होते बैठ के कि यार क्या पानी आ गया ये हो गया. वो जो इंजॉय कर रहे थे उसके ऊपर टिकटॉक्स बनी हुई जो वायरल गई हुई है. ठीक है, तो वो लोग आपस में कनेक्ट कर रहे थे कि भाई तुम्हारे घर में पानी आया मेरे घर में पानी आया हम तो पार्टी कर रहे हैं. एक तो बेचारे अपने उसमें लगे हुए थे मजा करने में. हाँ, तो जो कनेक्शन है ना वो उनकी उनके लिए जो मुश्किलों में भी उनके लिए जो एक्सपीरियंस आपस में जो कनेक्शन उनका बिल्ड हुआ है इसलिए वो बहुत मैस मार्केट है. तो जैसे ही कोई बंदा आता है स्टेप इन होता है और जो लाइक डिफरेंट कंटेंट बना रहा हो जिस जो डिफरेंट सर्कल में रहता हो जो डिफरेंट SEC में रहता हो तो उसको कहते हैं बर्गर आइए और उसका लाइक ए से लेकर सी तक आई गेस वो लोगों को बर्गर ही कहते होंगे. हाँ. क्योंकि आप लोगों तक से तो कनेक्ट ही नहीं कर सकते और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इस्लामाबाद मेरे लिए एक एलिनेट का कॉन्सेप्ट था. लाइक 2019 से पहले मैं इस्लामाबाद नहीं आया था तो मेरे लिए भी सारे बर्गर थे इस्लामाबाद वाले जब तक मैं खुद इस्लामाबाद आया. ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं लाइक लिटरली मैं कभी भी सेंट डोरस नहीं आया था 2019 तक. तो मेरे लिए यही था कि यार ये जो लोग हैं ये इमेजिनेबल नहीं है तो फिर ये बर्गर नहीं है. बट व्हाट मेड यू मतलब आपके थॉट प्रोसेस में ऐसी क्या चेंज आई कि नाउ यू डोंट एक्सपोजर. हाँ, एक्सपोजर जब मैं इस्लामाबाद आया मैं लोगों से मिला फिर मैंने काम करना शुरू किया. मैं काम भी नहीं करता था, मैं एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर था और वहाँ से बाहर नहीं जाता था. तो जब मैं वहाँ से बाहर निकला लोगों से मिलना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ. मुझे पता लग गया कि यार ये बर्गर नहीं है, लाइक ये डिफरेंट लोग हैं जिनको दुनिया के एक्चुअल दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता. हाँ, the more you interact, the more you find out how they are and then उस हिसाब से. तो वो असल में हमारे लोगों को सिर्फ ये होता है कि इसको इसके वजह से आपको लोगों ने बर्गर क्यों कहा था कि आपको मुर्गियों के उसके बारे में नहीं पता था कि अंडा अंडे की रेट्स के बारे में ऐसी कुछ चीज थी. ठीक है, तो देन अगेन पीपल जज ऑन द बेसिस ऑफ कोई एक बात होगी और उस पर जज कर लेंगे वो, उन्हें अब लाइफ स्टाइल और वो चीजें तो नहीं पता ना. हाँ, मतलब इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि किसी एक बात पे भी आपको बर्गर कंसिडर किया जा सकता है. हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने कोई एक बात की है, जो बंदा YouTube पे आपको लाइक पहली बार देख रहा है वो ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल तो नहीं पड़ेगा ना. तो उसने आपकी बात सुनी उसका बर्गर है. इससे मुझे भी कितने लोगों ने कहा बर्गर, मेरे इंस्टाग्राम पे कितनी बार लोगों ने कमेंट किया होता, मैं कमेंट डिलीट कर देता हूँ. तो लाइक जब मेरा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा इधर उधर जाता है ना, फॉर एग्जांपल 80,000-50,000 व्यूज आते हैं किसी कंटेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर हर तरह के लोग आते हैं ना कमेंट करते हैं. ऑब्वियसली. हां, तो फिर मैं इंटरेक्ट, आप सब देख रहे हैं कि खयाम साजिद के चैनल पे देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप नहीं कर सकते कुछ. अब खैर मैं भूल गया. सिर्फ समझने के लिए चीज है कि जिनको एक्चुअल में बर्गर कहा जाता है वो लोग होते हैं जिनका एक बबल होता है और वो उस बबल से बाहर निकलते हैं. ठीक है, लाइक वो नहीं निकल सकते ही नहीं है. वो एक कंफर्ट जोन होता है, एक बबल होता है जिससे वो बाहर निकल नहीं सकते और वो निकलना चाहते भी नहीं है. जैसे लम्स के बच्चों को हर कोई बर्गर कहता, हमें खुद बर्गर कहता था, हमारे ऑफिस में सारे लम्स के बच्चे थे. ठीक है, तो लाइक एक्चुअल में उनको बहुत सी रियलिटीज के बारे में नहीं पता होता. तो एक उनके लिए एक एलिनेटेड सा कॉन्सेप्ट होता है लोकल, लाइक सुजुकी में पाकिस्तान पिंडी में सुजुकी में ट्रैवल करना, लाइक मुझे पता नहीं किया होगा लोगों ने, क्योंकि वो बहुत मैंने खुद लाइक बहुत कम किया था स्टार्टिंग में मैं करता था. तो इस तरह की चीज़ जब उनको नहीं पता होती तो आप कहते हो ये तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि बर्गर होना बुरा है या अच्छा है. हाँ, बलाज बर्गर इज लाइक अ पिंडी बॉय टर्म आई गेस. आई मीन आई हैव नोटिस्ड हाउ पीपल गेट ऑफेंडेड एज सून एज दिस वर्ड कम्स अप. अगर आपको कोई बर्गर कहते तो वी कैन सी ओह माय मैन ही पूरी दुनिया होती है ऐसे. बट या हां आई डू एज़ वेल. तो बट लाइक इज इट गुड, इज इट बैड, लाइक व्हाट डू यू थिंक बलाज? आई थिंक इसका ये सीन है कि जब कोई किसी को बर्गर कह रहा होता है तो अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद लाइक स्ट्रीट स्मार्टनेस. नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर बात की, वो तो इनसिक्योरिटी की बात है. पीपल व्हेन समवन इज कॉलिंग समवन, मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी थी इस बारे में, व्हेन समवन इज कॉलिंग समवन एल्स अ बर्गर वो ये कह रहे हैं कि दे आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, ये अपने आप को ऑन अ स्ट्रीट हैंडल नहीं कर सकता, ये कमजोर है. तो वो जो अगर किसी को आप वैसे किसी को कमजोरी की नजर से देख रहे हैं तो दैट इटसेल्फ इज प्रीटी कॉन्डिसेंडिंग. तो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल इफ समवन गेट्स ऑफेंडेड व्हेन यू कॉल देम बर्गर, यू can't really get mad at them for acting the way they're acting, kyunki I'm pretty sure pehle bhi logon ne usi kamzori ki nazar se unhe dekha hoga. But I don't think so, Balaj, that people do generally have this idea. Like they say, like main aapko explain karti hu, like you guys said ke
डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जो, और आपने पूरा एसएससी एक्सप्लेन किया. अब जो लोग जो आपसे बहुत ऊपर है ना, एंड यू कैन नॉट रीच टू देम, दे आर बर्गर टू यू, सो वो आपको बर्गर कह देते हैं. लेकिन आई डोंट थिंक कि उनको ये बात समझ में आ रही है कि जब हम उनको बर्गर कह रहे हैं तो वी आर एक्चुअली यू नो सेइंग दैट इन अ वे कि यार आप उन एक कमज़ोरी के तौर पे कि यू आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट. बट अगेन आई लाइक टू एड ओवर हियर कि अब जैसे कराची के लोग हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इस्लामाबादियों को ज़रा ज़्यादा बोला जाता है कि ये बर्गर हैं, एंड दैट्स वन रीजन फॉर दैट इज़ बिकॉज वी स्टे इन आवर बबल. अ लॉट ऑफ अस वी रियली डू, वी हैव नॉट, वी आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट. इफ यू कंपेयर इट विद लाइक अ सिटी वाइज थिंग, देन इट बिकम्स लाइक अ थिंग कि यू नो यू पीपल देयर आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट एंड पीपल हियर आर नॉट वेरी स्मार्ट. और कराची के अब एलीट्स को भी इतना ज़्यादा मैंने नहीं नोटिस किया कि किसी ने बोला हो कि अच्छा ये बहुत बर्गर है. इट्स इट्स जस्ट विद इस्लामाबाद. हां, तो व्हाई इट्स इस्लामाबाद thing. Exactly. So that's if it's about socio-economic class, then you have it in other cities. Exactly. I think so. Like why it's Islamabad? Yeah. No, I think so. Islamabad, because Islamabad ke andar elite, us tarah se elite nahi hai, because ye bureaucratic city, yahan pe like administration hai Pakistan ki aur is tarah ki cheeze hain. To yahan pe ameer log honge, lekin jo actual mein elite hain, like jo wo log Karachi ke andar hain, theek hai. To I guess Karachi ke andar, because main to gaya hua nahi hu, Balaj gaya hua, lekin वहाँ के DHA वहाँ पे लाइक, यहाँ पर तो मुझे पता नहीं, वहाँ एक शहर में, यहाँ पर तो इस्लामाबाद इस होल इस्लामाबाद इस बर्गर, लेकिन वहाँ पर एक शहर में दो स्पेक्ट्रम्स हैं, एक बर्गर है पुल से इस बार बर्गर है और दूसरे पुल से इस बार महिलाज है. मैनी फ्लेवर्स हाँ, पुल से इस बार महिलाज. मुझे लाइक मुझे कराची के किसी बंदों ने बताई थी कि वो एक लाइक एक जगह है ना, यहाँ से इस तरफ के लोग सब बर्गर हैं और इस तरफ के लोग सारे महिलाज हैं ना, कि इस्लामाबाद में तो मिडिल क्लास तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. हाँ, तो जो लोग लाइक मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे थे ना, उन्होंने जब थोड़ा बहुत काम किया तो इवेंचुअली मिडिल क्लास में आ गए, इंक्लूडिंग मी. तो अब उस तरह से लोग आ रहे हैं, अब तो है, पहले नहीं थी लेकिन अब है. बट स्टिल लाइक यू गाइज आर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस, लेकिन मुझे अभी बहुत ज्यादा जोर से रियलाइजेशन हो रही है इस बात की, दैट people still associate burger with Islamabad. Yeah, like exactly. They call it, they won't call it, like Karachi Burgerabad bhi kehte hain. Literally, I was coming to that. Like people call this city Burgerabad. Why? I think also because jo burger term hai, we can say ke उन बच्चों को बर्गर कहा जाता है, दैट हैव प्रिविलेज, जो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, जो थोड़े इतने आउट गोइंग नहीं होते, अपने ही बबल में रहते हैं. एंड आई थिंक इस्लामाबाद का कुछ हद तक लाइक माइनॉरिटी है इस्लामाबाद में, बट इट्स अ वोकल माइनॉरिटी, तो वो छोटी सी माइनॉरिटी इज लाइक द एंटायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लामाबाद. इफ यू सी इट दैट वे, दे आर एक्चुअली इस्लामाबादी, राइट? दे बहुत सारे इस्लामाबाद इज काइंड ऑफ अ सिटी जिसमें बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं. लाइक सो यू फाइंड इट लाइक नेटिव पॉपुलेशन, यू विल फाइंड इट वेरी स्मॉल. सो जो लोग यहाँ पे रहते थे ना, जिनके सर्कल्स हैं, वो आपस में ही कनेक्टेड रहेंगे. फिर उनकी एक अपनी दुनिया है. सो फिर जो आप F6 F7 कह रहे हैं, इट्स लाइक they feel like we are, you know, और यहाँ पे ना एक वो स्ट्रीट स्मार्ट वाली बात भी आ जाती है कि अब कराची वालों की थोड़ी सी ये मेंटेलिटी होती है कि यार कोई भी इस तरह की चीज़ हो ना, कि इन अ सिचुएशन या कुछ, तो तुम लोगों को क्या पता यार, असल तो हमने देखा हुआ है कि क्या है और क्या नहीं. आई हैव एक्सपीरियंस दिस अलॉट विद ऑल माई कराची वाले दोस्त एंड ऑल, तो वो यही कहते हैं कि तुम लोगों को क्या, तुम लोग तो अपने ही उसमें रहते हो, तुम लोगों को क्या मसले हैं, हम मसले तो हमारे. सीरियस नहीं लेंगे. अच्छा, मैं इसके अंदर मेरा ये ओपिनियन था कि जो यूसरा ने बात की ना कि वो एक्चुअली इस्लामाबादी वाले हैं, आई डिसएग्री, क्योंकि अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसके ऊपर. तो मुझे ये पता लगे कि वो होंगे असली इस्लामाबादी, लेकिन सिर्फ वो असली इस्लामाबादी नहीं है, लाइक जो सैदपुर विलेज है पूरा, आप लोगों ने दीवार लगाकर उनको, क्योंकि गुर्बत को लाइक शाहनवाज हमारे इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, शाहनवाज ने एक बात बताई थी, एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही थी कि जब आप गुर्बत को छुपाते हैं ना, तो फिर शहर खूबसूरत लगता है, क्योंकि बुरी जगह तो अच्छी नहीं लगेगी ना. शहर प्यारा कब लगेगा, जब आप गुर्बत को छुपा देंगे. तो लाहौर प्यारा क्यों लग रहा था आपको, क्योंकि इतने बड़े बड़े पुल बन गए. हाँ, वो तो मैंने देख लिया. हम तो गए थे, देखा था हमने, देख लिया मैंने. और इस्लामाबाद में लाइक छुपाने की कोशिश की. और इस्लामाबाद आपको लिटरली जो नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग जी सेक्टर, इंक्लूडिंग एच सेक्टर, इज जस्ट 25% ऑफ इस्लामाबाद. दैट इज ट्रू. एंड 25% ऑफ इस्लामाबाद इज ग्रीनरी, लाइक सेक्टर्स हैं, पार्क्स वगैरह. एंड 50% इज actual rural population, which Islamabad.
ठीक है, तो वो जो है ना कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, ये वो चलते हैं रूरल एरिया चलते हैं तो इस्लामाबाद पलता है टाइप सिचुएशन। खैर आई वुड रियली वांट कि लोग भी कमेंट करें व्हाट दे थिंक, तो हमें बताएंगे, हमें हेट भी आएगी बहुत सारी, जो हम शहरों में जनरलाइज कर रहे हैं वो तो दिल्ली में रहता हूं, नो नो कनेक्शन टू इस्लामाबाद, दिल्ली बॉय फॉर लाइफ। हां बट दे बाय दिस टाइम दे नो कि हम बैठ के सिर्फ अपने ओपिनियन दे रहे हैं, लाइक नॉट लाइक फाइनल सेट समथिंग सेट इन स्टोन, इट्स समथिंग दैट वी आर स्टिल डिस्कसिंग and you know trying to figure out. आप लोग बताएं what is your understanding of burgerism? Yes, please. अच्छा अच्छा, अभी जो मैं बहुत ज़्यादा वो बन रहा हूँ ना पिंडी बॉय और बर्गर नहीं बन रहा, अभी जो मैं बोलूँगा ना कि हमें टर्की किया था, ओ बर्गर, तो लाइक उससे स्विच भी आ गया, कॉन्वर्सेशन का स्विच भी आ गया है कि मैं वो करूँगा, बहुत प्ले करना चाहिए, ये बहुत आगे जाएंगे जिंदगी में, कैसे स्विच डाला है, जो जो जब आप प्रॉब्लम एड्रेस कर लेते हैं ना, तो जैसे बुरा रिजल्ट आया हो तो जस्ट कैजुअली एड्रेस इट, हाँ एफ आ गया, घर वालों को इस तरह बता देते हैं, इसमें बेसिकली अभी ये क्या हां टर्की क्या था नॉट बर्गर, वो जो स्विच लेके आए ना, बहुत स्मार्ट, गुड वर्क को होस्ट, थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाट आई डू एक्चुअली, दैट्स माय जॉब। अच्छा ठीक है, बट तो फिर अब ले आए हैं स्विच पे तो फिर आगे बता भी दें क्योंकि क्या टर्की का कनेक्शन है जी, आप मैं कहना चाह रहा था कि लाइक जनरली मैं कहना चाहता हूँ वो बात कि जब हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी आगे होगी तो वो लोग बोलेंगे अभी तक ना गौर से सुन रहे होंगे, हम जो है ना सही पाकिस्तानी लग रहे हैं, तब जब मैं बोलूँगा ना कि यार हाँ मैं टर्की में मिला था, ओ अच्छा तुम टर्की गए हो, लाइक तुम अभी कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली लाइक मेरे लिए भी टर्की जाना इज वो कॉन्सेप्ट था कि मैं कभी जा नहीं सकता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जाऊँगा, तो मेरे लिए जो 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 गया था वो प्रिविलेज बना था, तो आई गेस बर्गर वे टाइम बहुत ज़्यादा, अब मेरे पास कोई वो तो नहीं है, वो साइंटिफिक नॉलेज तो नहीं है, लाइक जो मेरे अजम्पशन है उसके मुताबिक जो थोड़ा सा प्रिविलेज होता है थोड़ा या ज़्यादा जो भी होता है थोड़ा सा भी ज़्यादा आपसे प्रिविलेज होता है तो वो थोड़ा बर्गर लगता है, लाइक मैं अभी अपने मोहल्ले में रहता हूँ, मैं इंग्लिश का कोई वर्ड लाइक वर्ड यूज़ कर लूँ तो मुझे कहते हैं बर्गर ना बन पा रहे, लाइक ओनली एक लाइक वर्ड, लाइक मैं बोलूँगा ना यार वो जो हम लोगों का लाइक ऐसे बोलूँगा तो हमारे लिए बर्गर ना बन, समय पता है ज़्यादा, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे कहा है ये बात कि अगर आप किसी को मैला कह रहे हो तो यू आर ऑल्सो इट्स ऑल्सो कॉन्डिसेंडिंग राइट, सो यही है कि आप बस बैठे हो, एक्चुअली में मसला ये कि हम सब जो है ना बहुत ही कोई शदीद जजमेंटल है रियालिटीज के हिसाब से जो है ना आगे पीछे लेबल लगा के बैठे जो कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, you know we do it, okay, we all हम, do it, आप बताएं yeah. आप गए थे ताकि हम आपको जज कर सकें, बताएं जो आप बर्गर नहीं है बट आप टर्की गए थे तो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो आप गरीब लोगों को बताना चाहोगे अच्छा ऐसे हुआ था कि पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ उसकी कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी भी जाऊँगा, लेकिन 2021 के जनवरी में हम बैठे हुए थे मैं और युसरा, तो युसरा ने बोला कि इस साल के क्या रेजोल्यूशंस आपके ना, आप क्या करना चाहते हैं, एक मिनट मैंने जहाज पे बैठना है, दूसरा मैंने टर्की जाना है और तीसरा मुजम्मिल भाई गाड़ी लेना है, मुजम्मिल भाई काफ़ी अर्से से बोलते गाड़ी लेनी है गाड़ी लेनी है, तो मेरा दिल था कि इस साल पर गाड़ी ले लें, तो जहाज पे मैं इतना बैठा कि हमारा पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसके अंदर हम लोगों ने गवादर जाना था और बस और साइम ने जाना था क्योंकि हमारा साइम हमारा ट्रैवल व्लॉगर था, ठीक है, और मुजम्मिल भाई ने इसको बोला कि यार मुजम्मिल भाई हम लोग गए हुए थे शूट पे, पिंडी गए हुए थे हम लोग शूट पे, हम लोग जब आए मुजम्मिल भाई ने बोला कि यार तुमने जाना है, तुम अपना सामान पैक कर लो, परसों तुमने जाना होगा गवादर, वो कहते हैं नहीं मेरा तो ऑपरेशन है मैं तो नहीं जा सकता, उसका सर्जरी थी उसकी, तो उसने बहुत कोशिश की कि वो जाया जाए, तो एंड पे ना मजबूरन में गया, मैं गया CN30 में था लेकिन मजबूरन में गया था, तो मैं जहाज पे बैठ के मेरी लाइक वो चीज़ पूरी हो गई थी, मुझे वो शौक था कि हवा में कैसे नजर आता है बाहर ना, तो एक दूसरा ये कि टर्की वाले सीन लाइक लिटरली ऐसे हुए, मुझे मैंने गाड़ी ले ली थी, ठीक है, और टर्की वाले सीन लिटरली ऐसे हुआ था कि मेरे दोस्त के मुझे कॉल आई, मैसेज आया था कि यार हमने एक वीडियो हमारा इवेंट, एक दोस्त है मेरे जिस वो इवेंट्स करवाते हैं बाहर मुल्कों में, तो उन्होंने बोला कि हम लोग जा रहे हैं टर्की तो हमारी वीडियो ना प्रोमो वीडियो बना दो, मैंने कहा बना देता हूँ मैं बना रहा, तो मैंने कहा यार प्रोमो वीडियो बना रहे बंदा बंदा साल लेके जाता है, तो आगे से कहता है अच्छा ठीक है अपना पासपोर्ट, अपनी पासपोर्ट की तस्वीर भेज दो, ठीक है, और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था अभी, या मेरे हाँ मेरे पास पासपोर्ट नहीं था अभी, मेरे लाइक लिटरली आना था क्योंकि मैंने बनवाया था उसके दो हफ्ते पहले, मैंने भी कहीं जाना था उसके लिए दुबई के लिए बनाना था, तो उन्होंने बोला कि पासपोर्ट की तस्वीर भेज दो, मैंने कहा मजाक कर रहा है वो, मैंने ना मेरा तो अगले दिन पासपोर्ट है, मैंने तस्वीर उसको भेज दी, तो तकरीबन आई गेस दो हफ्ते बाद उसने मुझे मेरे टिकट्स और मेरा सब कुछ रिजर्वेशंस और होटल रिजर्वेशन सारी मुझे भेज दी, मैनिफेस्टेशन गेम चेक किया ये एक सेकंड मैं मैनिफेस्ट कर, ये जो भी आप है मैंने सितंबर में वापस जाने मेरा भी टिकट आउट कर, तो इजाज़ लैब से लेजिस आसम,
अच्छा तो लाइक मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैंने कहा यार उन्होंने ऐसे ही भेज दिया, लिस्ट थी ना मेरी, तो उसके अंदर मैं अपना नाम ढूंढ रहा हूँ, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, होटल में भी लिखा हुआ है, टिकट्स में भी लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ यार क्या गेम हुई है ये ना। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि तुम वीज़ा के लिए अप्लाई कराना कल जाके, मैं कल नहीं गया, चलो कि मुझे फ़ोन आ गई, यार ख़याम क्या सीन है तुम्हें जाना या नहीं जाना, मैं कहा सीरियस में कर रहे हैं ये लोग। और मैं अगले दिन गया और मैं लाइक स्टॉक एक्सचेंज टावर में एक जगह पे मैंने अप्लाई करने के लिए गया, वो हुआ और आई गेस विद इन 3 weeks मैं टर्की जा रहा था। और लिटरली एयरपोर्ट पे मैं खड़ा हुआ, व्हाट अ स्टोरी, एयरपोर्ट पे मैं खड़ा हुआ और जो मेरे साथ कुछ लोग भी जा रहे थे ना, तो वो शहबाज भाई थे, एक शाउट आउट शहबाज भाई, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, शाउट आउट शहबाज भाई। शहबाज भाई मुझे कहते हैं कि नहीं, शहबाज भाई को मैंने बोला अब लाइक लिटरली मुझे पता नहीं टिकट कैसा होता है, मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा शहबाज भाई बट मैंने टिकट मिलेगा लेना पड़ेगा कैसे होगा ना, कहते हैं पहली बार जा रहे हो, मैंने कहा हाँ, कहते हो यार इधर आ तो मैं बताता हूँ, उन्होंने फिर मुझे फाइल करके दिखाया कि ये टिकट होता है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो, लेकिन फिर हमारी बातचीत होने लग गई। तो जब एयरपोर्ट तक मुझे नहीं पता था, मेरी फ्लाइट थी 1 घंटे के अंदर, मुझे नहीं 2 घंटे के अंदर, मुझे नहीं पता था कि जाना, मैंने जा रहा हूँ, मेरे टिकट है, लाइक असल में मेरे टिकट है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो ये मेरी कहानी टर्की जाने वाली। उसके बाद फिर मैंने बराज को बताया था कि यार मैं टर्की आ रहा हूँ और ये सीन हो रहा है, फिर मैं वहाँ गया, आई थिंक जिस दिन मैंने लैंड किया वहाँ पर, वो यहाँ से कतर थी और कतर से वहाँ पर थी, जिस दिन लैंड किया उस दिन बराज का मुझे वॉइस नोट आया लंबा सा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्की, लाइक बड़ा अच्छा वॉइस नोट था, आई थिंक शाउट आउट टू बराज। मेरे लिए ना हमेशा से डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं ना, हमारे खानदान में कभी कोई बाहर जाता था तो वो जाता था मजदूरी करने के लिए, लाइक वो गार्ड होगा कहीं पर या कहीं पर वर्कर होगा, इस तरह जाता था, तो उसको कभी लाइक जाहिरी बात है इस तरह के बंदे को कोई वैसे भी वो काम करने के लिए जा रहा है, वो काम करता था और वापस आ जाता था, उसका कितना इंटरेक्शन नहीं होता था। तो अगर मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो काम करने वाला बंदा गया ना, वो कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराता, क्योंकि उसे काम करना है, लाइक वो मजदूर है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं लोग। तो मैं मेरे दिमाग में यही था कि जब आप बाहर जाते हो ना, आपको कोई लिफ्ट नहीं कराता, ठीक है, मैं बाहर गया ना तो बराज क्या पहुँचते सारे मुझे वॉइस नोट आया। तो क्या आप जानते थे एक दूसरे को पहले? ये पॉडकास्ट में आए हुए थे हमारे और कंटेंट की वजह से भी हम जानते हैं, साइम हमारे म्यूचुअल बहुत दोस्त यार, हमने साथ डीब्रीफ के बाद जो बॉन्ड हुआ था ओके तो सही। और हमारे लाइक बहुत म्यूचुअल दोस्त हैं, बड़ा कंटेंट क्रिएटर हैं बराज, तो इस वजह से हमारे बहुत म्यूचुअल दोस्त थे। तो और इवेंचुअली हम लोग मिले डीब्रीफ पर, मिले हम डीब्रीफ पर थे ना, फर्स्ट टाइम डीब्रीफ मिले थे। तो फिर लाइक मेरी बहुत लंबी कहानी हो गई है खैर, लेकिन ये कि वहाँ मैं मिला इनसे, इन्होंने मुझे पहली मैसेज भेजा कि इस दिन मिलते हैं, मैंने उनको बताया इस दिन मैं फ्री हूँ, इस दिन मिलता है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हाँ फिर खयाम को मैंने मैसेज भेजा था, एंड खयाम का आई थिंक मैसेज आया था कि आज शायद मैं बिजी होऊंगा, अगले दिन उसे अगले दिन ही उस फ्री। फिर हम मिले थे खयाम से, मैं पहुंचा, खयाम लॉबी में चिलिंग कर रहा था आराम से होटल की, एंड आई थिंक बड़ा स्मूथ सा था हमारा एक्सपीरियंस, कोई नथिंग आउट ऑफ द वो, और इतना स्मूथ था कि लाइक इन्होंने स्मूथ बना दिया था बहुत ज्यादा, कि वो वहाँ पे आपको मेट्रो का टिकट लेना पड़ता है ना, तो ये घर से कार्ड लेके आए हुए थे चार्ज करवा के, कि जहाँ भी जो कार्ड लाइक कहीं पैसे लगाने के लिए, क्या अगर आपको मैं बता दूँ अपनी कॉस्ट, आप लोग पागल हो जाएगी जितनी मेरी कॉस्ट लगी आने जाने में, मैं बताना नहीं चाहता, आपका मैं बता दूंगा, लाइक कुछ भी नहीं था वो। और वहाँ पर लाइक तीसरे दिन हम दोनों मिले, मैं और बलाज, जनरली मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ क्यों गया था, इवेंट्स हो रहे थे वहाँ पर, तो उनको मैंने कैप्चर करना था, लाइक फुल टाइम मैं कैप्चर कर रहा था, लेकिन मेरे पास 2 दिन थे आगे जिसके अंदर मैं घुमा फिरा था, एक बलाज के साथ जिस दिन। कितने डेज के लिए गए थे आप? 7 डेज के लिए। अच्छा, 3 दिन हम इस्तांबुल में थे, 3 दिन हम अंतालिया में थे, तो उन दोनों में एक एक दिन था मेरे पास, एक दिन मतलब एक दिन शाम के बाद था और एक पूरा दिन था जिसमें हम बलाज के साथ था मैं। फिर हम लोग आया सोफिया गए, हम लोग वहाँ घूमे और रास्ते में, सॉरी मैं बीच में बोलूँ, बताएं बताएं आप बता बोल रहे नहीं नहीं ये हमारी हर एपिसोड में एक दफा होते हैं, आप बोल रहे कुछ आइस टी वाली स्टोरी थी कुछ। अच्छा, हम लोग घूमने के लिए गए तो लंच का टाइम हुआ, और अच्छा एक लंच की भी बड़ी कहानी है, मैंने बताया नहीं है, जब हम लोग आया सोफिया के सामने लंच के लिए गए थे, हाँ समझ स्ट्रीट में, वहाँ पर ना बलाज ने बोला कौन सी कहानी है, बलाज ने बोला ड्रग्स ऑब्वियसली है, वो टिन था ना एक, तो आपको नई चीज ट्राई कराता हूँ, तो वहाँ पर एक मसला बहुत बड़ा है, मसला ये जो भी जा रहा है टेस्ट किसी चीज का होता ही नहीं है वहाँ पर, तो बराज ने मुझे बोला कि मैं आपको ना एक चीज टेस्ट कराता हूँ, इसका टेस्ट अच्छा है, ठीक है,
उन्होंने आई एस टी पिलाई तो मैंने ना मैंने और उन्होंने स्टोरी बनाकर अपलोड की, मुझे मैसेज किया अच्छा ड्रग्स कर रहे हो तो ड्रग्स वाली ये चीज़ थी। अच्छा वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर पता नहीं मैंने बलाज की चीज़ बताई या नहीं बताई। बलाज को मैंने बोला, बलाज भी ऑब्वियसली स्टूडेंट है वहाँ पर और वहाँ पर टूरिस्ट है, टूरिस्ट प्लेस से पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो बलाज ने कहा कि लंच मेरी तरफ से, मैंने कहा नहीं 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 बल लंच मेरे, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि अभी तक मेरा एक रुपया भी नहीं लगा कहीं तो पैसे लगा लूँ। और बलाज यार था कि नहीं नहीं आप गेस्ट नहीं 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 हमें जगह पर गए। तो बलाज ने बोला क्या खाना है ना, अभी तक ना मैं लाइक सब्जियां खा रहा हूँ, टेस्टलेस चीजें खा रहा हूँ, मैं कह रहा था बस चिकन मिल जाए मुझे थोड़ा सा। बलाज आई रियली लाइक केएफसी, सो व्हेन आई एम विजिटिंग तो फिर आई लव केएफसी। नहीं आप खयाम को वो बोल रहे थे ना मेरी तरफ से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि व्हेनेवर आई एम विजिटिंग केएफसी खिलाई जाएगी। सो आई लाइक केएफसी, आई पर्सनली लाइक टर्की का केएफसी मोर देन पाकिस्तान, बट मूविंग बैक टू योर स्टोरी। तो फिर मैं भूल जाते हैं, आई वुड वांट टू नो व्हाई दो, बाद में इस पे आते हैं केएफसी। अच्छा फिर हम खाने भी आ गए वहाँ पर ना, बलाज का क्या वहाँ पर लाइक अजीब गरीब से नाम थे। तो बलाज ने मुझे बोला कि वो क्या होता है वो तवोकशिश लिक्विड, लाइक वो हलवे की तरह होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। टर्किश में उसको पता नहीं मेवे कहते हैं या क्या कहते हैं, डिफरेंट तरह के ना एपेटाइजर्स थे। हाँ एपेटाइजर्स थे, वो जिस तरह आपका हलवा होता है ना, हमारे सूजी का हलवा था, लेकिन उस तरह के थे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थे। जिस तरह आप लोगों का हलवा होता है। ओके ठीक है ख्याम, वी अंडरस्टैंड कि हम नहीं गए, ख्याम अभी टर्की में ही है ना स्टोरी के साथ। तो वो रेड और ग्रीन डिफरेंट तरह के थे, तो इसने मुझे बोला कि वो लिखा दें वो अच्छा होता है। मैंने कहा ठीक है खा लेते हैं, ले लेते हैं, मुझे तो पता नहीं था। वहाँ पर लाइक एक पराठा था, रोटी थी जिसके अंदर चिकन वगैरह होता था, कीमा वगैरह होता था, तो वो देखने में अच्छा लग रहा था। मैंने कहा एक वो ले लेते हैं और चिकन ले लेते हैं हम लोग ले, और मैंने पैसे देखे ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। मैंने कहा यार बलाज के बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं ना, हम ऊपर आके बैठे हैं तो, और फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं किया। मैंने कहा यार अब लाइक वो स्टूडेंट है, शर्म आ रही है। तो वो खाना जब लेके आया ना, तो वो एक लकड़ी की प्लेट थी, उसके ऊपर वो जो हलवे टाइप की चीज़ थी चार पड़ी हुई थी ना, चार फ्लेवर थे वो। और मैंने कहा यार ये लाइक पेट भी नहीं भरेगा, हम लोग चल के आए हुए थे बेसिकली। इतनी सी कटोरी में हमस पड़ा हुआ था, हमस ऐसी दो तीन और चीज़ें थी, वो आया और खयाम देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ शिट यार पेट नहीं भरेगा, मैं किस तरह नहीं ऑर्डर करूँ, मेरी ऐसी प्रॉब्लम। उसके बाद पूरा मील आना था बट अच्छा उसको पता नहीं था। तो मैंने ना साथ वो एक रोटी भी आई, और एक रोटी थी वो एक रोटी भी आ गई, तो मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार, और हम लोग और मैं ना आइसक्रीम छिक रहा हूँ, पी रहा हूँ पी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार पेट मेरा भर गया। मैंने पूरी खाने आने से पहले पी ली पूरी आइस टी। बट आइस टी इज एक्चुअली प्रीटी गुड, एनीवन ऑफ यू और यू और यू गोस टू टर्की इंशाल्लाह वेरी सून, इंशाल्लाह तो उनकी पीच आइस टी इज द बेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ बस खा रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर गुजरी ना, अब मैं इससे कुछ बोल नहीं रहा। मैंने कहा यार अजीब लगेगा कि यार बलाज बोलेगा यार लाइक खाओ खाना क्या सीन है, मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ। तो साथ ही ना बंदा आता कि आपका ऑर्डर है, मैंने कहा इसने कहा हाँ हमारा ऑर्डर है। तो साथ ही उसने ना वो दो बड़ी बड़ी सी प्लेट्स पकड़ी लेके आया, तो चिकन टिक्का साथ उसके खाना, मेरे दिल में ठंडक पड़ी है, शुक्र है हमारे। लेकिन पहले ठंडक पड़ी, फिर खयाम ने खाया, उस फीकापन पड़ गया इसके दिल में, क्योंकि खाना है तो चावल है ना वहाँ के, वो ऐसा लगता है माश की दाल है, इतने मोटे मोटे चावल है। बेसिकली दे आर कॉल्ड बुरलार पिलाफ, मतलब बुरलार राइस, पिलाफ पुलाव राइस एक ही बात। तो वो बड़े अजीब से राइस होते हैं, देयर लाइक लंबे राइस नहीं होते, देयर लाइक गोल, बहुत गोल होते हैं, बड़े अजीब से होते वो हैं, वो माश की दाल से भी ज्यादा मोटे होते हैं वो। और उससे ये मेरा काम ये था, फिर मेरा वो खाना आया, लेकिन ये चिकन थोड़ा सा टेस्ट वाला था, तो मैंने वो खाना खा लिया। उसके थोड़ी देर पहले का गम वो तो बताना मैं भूल गया, जब हम लोग होटल से आ रहे थे, हम लोग पहले उसमें बैठे मेट्रो में बैठे, ठीक है हम लोग आए एक जगह के ऊपर, एक स्टेशन के ऊपर हम वहाँ उतरे, अब वहाँ से हम लोगों ने ट्राम ले ली थी, ठीक है। तो ट्राम मैं बताती हूँ स्टोरी क्या हुआ। अब खयाम को मैं लेके जा रहा हूँ, बेसिकली ट्रैम होती है उधर, मेट्रो होती है, ट्रैम होती है, मेट्रो बस होती है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं ट्रैम में। अब हम एंटर हो रहे हैं, एज ए खयाम साथ ही रहना, हम एंटर हो रहे हैं, मैं एंटर हुआ, खयाम हो रहा है, दरवाज़ा बंद हो गया, हम लोग भाग रहे थे ना। तो हम भाग रहे थे तो वो दरवाज़ा बंद होने लगा था, फुल थी अंदर वो। बलाज एंटर हुआ तो इतनी जगह थी कि बलाज एंटर में कोशिश में नहीं की। अभी खयाम के पास सिम नहीं है, सिम नहीं है मेरे पास, सो ही हैज़ नो कॉन्टैक्ट, नो इंटरनेट, नो सिम। ओह
माय गॉड. मैं सो व्हाट हैपेंड, अब मैं अगले स्टॉप में देख रहा हूँ खयाम नहीं है, पीछे एक अंकल मुझे टर्किश में कह रहे हैं दरवाजा खुलवा दूं. मैं लाइक हाय नो 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 कोई मसला ही नहीं है. अगले स्टेशन पे मैं उतरा एंड आई रियलाइज खयाम नहीं था. निकला यू रियलाइज जब खयाम नहीं, बीच में आई रियलाइज मैं निकला वहाँ पे के खयाम नहीं है. मैं निकला वहाँ से एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग. आई वाज लाइक अब ये अगली मेट्रो आएगी नहीं, यहाँ से मैं वापस भाग के जाऊंगा. मैं एक स्टेशन से पूरे दूसरे स्टेशन से भाग के सोच रहा था कि अगर मैं अच्छा मैं ये सोच रहा था कि मैं वहाँ बैठा हुआ ना और अब अनजान शहर वैसे भी नहीं है. मैं बैठा हुआ, मैं कह रहा था अगर मेरे पास कार्ड तो था ना जिन्होंने मुझे कार्ड दिया हुआ था, इनके लाइक इनके पास एक कार्ड था एक्स्ट्रा जो कि इन्होंने चार्ज करवा के दिया हुआ था मुझे कि लाइक वहाँ पर कार्ड लगाना. सिर्फ मैं कह रहा था कि मैं बैठता हूँ, मैं अगले स्टेशन पे चला जाता हूँ, बलाज मेरा अगले स्टेशन पे वेट कर रहा होगा. हाँ. लेकिन अगर बलाज वापस आ रहा हुआ तो फिर अच्छा, मैं क्या करूँगा यार. मैं क्या पता, बड़ा स्मार्ट डिसीजन लिया था खयाम ने क्योंकि आई वाज द वन दैट न्यू द सिटी, तो मैं इधर उधर जा सकता, वो उधर ही बैठ गया. फिर मैं भाग गया बाहर से, मैं देख रहा हूँ खयाम आराम से बैठा हुआ है एंड मैंने आवाज दी खयाम इधर उधर किधर. तो मैं भागता आया तो मैंने देखा लग बलाज पसीने पसीने हुआ और वो भागता आया. तो बलाज ने मुझे बोला कार्ड दे दो ना कि मैं इंटर हो जाऊं दोबारा, क्योंकि वो एक दफा आपने कार्ड लगा लिया ना तो फिर आप दोबारा कार्ड मतलब आप तो बैठ गए. ऐसे नहीं कि आप किसी और कार्ड पकड़ा के उसको भी इंटर करवा दो, तो आपको 15 मिनट्स वेट करना पड़ता है. तो इसका कार्ड लग ही नहीं रहा था वहाँ पर. फिर इसने मेरा कार्ड लिया, तो मेरा कार्ड भी क्योंकि अभी लगा था, हम दोनों साथ इंटर हुए थे अंदर, तो मेरा कार्ड भी नहीं लग रहा था. उसने बोला कि तुम बाहर आ जाओ हम पैदल चलते हैं. फिर हम लोग पैदल ही गए, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने बोली सिमली, सबसे पहले हमने हमने डिच किया. फिर हम ग्रैंड बाजार गए, वहाँ से हमने ना बेसिकली होता ही है वहाँ के जो वहाँ का एक हैक है, अब तो नहीं होता, अगर आप टूरिस्ट लग रहे हैं तो शायद चल जाएगा. दिस इज फॉर ऑल द पीपल वॉचिंग कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज लिविंग इन टर्की. मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ग्रैंड बाजार से कोई शॉपिंग नहीं करनी, वहाँ से लोग लेते हैं टर्किश डिलाइट्स, बहुत अच्छी होती है. बट अगर आपने सिर्फ टर्किश डिलाइट्स खानी है ना, जस्ट लुक लाइक अ टूरिस्ट एंड गो देयर. और कोई भी टर्किश डिलाइट्स की दुकान आए ना तो जस्ट बी लाइक वाओ ये क्या है एंड देन वो आपको फ्री में खाना शुरू कर देगा. हम लोग व्लॉग में कह रहा था ना वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोगों की रिकॉर्ड हुई है कि बलास ने बोला कि हमारा प्लान था कि हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे ठीक है सुबह के सामने, और हम लोगों ने डिलाइट खाने के लिए हम ग्रैंड बाजार जाएंगे वहाँ फ्री डिलाइट खाएंगे और हम लोग वहाँ से निकल कर फिर लाइक कुछ आइसक्रीम खाएंगे कुछ खाएंगे. सो यू डिस्कवर्ड दिस हैक व्हाइल लिविंग देयर ना, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क योर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन टर्की. Living in Turkey, okay, मैं मेरा अभी दूसरा साल ख़त्म हुआ है उधर. My experience was very weird and nice at times. पहला मेरा साल पूरा lockdown में गुजरा था, तो I couldn't, it was just like उससे अच्छा ये होता कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के वो ले लेता, क्योंकि उधर lockdown बहुत strict था और लोग आप कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकते थे. एंड आई वाज इन लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट, इट वाज अ शू बॉक्स अपार्टमेंट, तो इट वाज ग्रोइंग ऑन मी. तो वो टाइम बहुत ज्यादा आई वाज लाइक गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, एंजाइटी. दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट. उससे पहले बट उस टाइम पे माय ओनली डिस्ट्रैक्शन वाज मेकिंग वीडियोस. अच्छा तो मैं आई यूज्ड टू मेक वीडियोस उस टाइम पे, बट दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. खैर उसके बाद मैं पाकिस्तान आया तो वो एक पूरा साल इसी तरह ऑनेस्टली डिप्रेशन ही में गुजरा था. बट देन आई केम टू पाकिस्तान पिछले साल जब हमने डिब्रीफ की थी. वेट, डिब्रीफ दिसंबर में हुई थी ना? नहीं नहीं, आपने शर्ट पहनी हुई थी, गर्मियाँ थी. यस वो जुलाई क्या रिमेम्बर. तो वो सारा टाइम है पाकिस्तान, तो डिब्रीफ बंद भी हो गया. तो आई वेंट बैक और फिर ये साल जो है ना सारा थर्ड सेमेस्टर में, मतलब मेरा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर था, टर्की ओपनड अप. मैं आई एक्सप्लोर्ड सो मैनी प्लेसेज, आई मेड सो मैनी न्यू फ्रेंड्स, टर्किश फ्रेंड्स, पाकिस्तानी फ्रेंड्स उधर ही. आमना रियाज इज़ अ पाकिस्तानी क्रिएटर, शी वॉज इन टर्की फॉर सम टाइम, वी लाइक बिकेम लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. तो और हमने बहुत लाइक वी लिटरली वेंट ऑन अ वेकेशन, हमने बाकी सिटीज़ एक्सप्लोर की थोड़े आउटस्कर्ट्स पर जो थी. तो माई एक्सपीरियंस दिस ईयर वॉज अमेजिंग. I grew as a person, I think. I overcame a lot of like mental barriers
explored, started playing table tennis again, worked on my physical health. So like it was really great. Like it's like kind of your first year to university, because last year it was like, you know, I just really wish I can go back and like switch things up, but you know, जो होता है अच्छे के लिए होता है. True. So yeah. But yeah, I recently watched your video, Aamna Wali. It was really wholesome, sad times, you know, when she was coming back and you guys were coming back. और वो episode 4 जो थी ना, साइम वाली. साइम crazy हुआ था. उफ, कल मैं देख रहा था, कल मैं फिर पागलों की तरह हंस रहा था. जो साइम वो जो मेरा vlog था, वो arcade में गए थे. Oh my god. आप लोगों को देखनी चाहिए भाई, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए. मैं आपको बताता हूँ, साइम by the way, सबको पता है कौन है. He was an employee इधर भी पहले, but साइम is a friend of ours. And साइम आया टर्की, ठीक है. And साइम इज़ वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह. मेरे से ना यूँ ऐसे फ़ोन उठा गए, यूँ करके मैं व्लॉग बहुत मुश्किल से करता हूँ, बहुत एनर्जी और बहुत ना आराम से, हे गाइस अब मैं इधर आ गया हूँ, ये हो रहा है, इस तरह होता है. साइम से एक बार फ़ोन दो, ऐसे क्या करना है, कहता दो सही. इन अ मेट्रो फिल्ड विद पीपल, जो कि सारे खामोश बैठे हुए हैं, साइम उठ के, गाइस जिंदगी एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ. और पीछे लिटरली हर कोई उसे घूरे जा रहे हैं कि हो क्या रहा है. और मैं और आमना यूं करके अपने लाल होए में टमाटर बने में. इसी तरह एक और इंस्टेंस जहाँ पे पता नहीं कि हम दोनों में से किसी ने जोक क्रैक किया. इन A road filled with people, साइम जमीन पे लेट के हंस रहा है और चीखे मार मार के हंस रहा है. और मैं अपना टमाटर फने में, everyone's like looking like साइम please करो. You can expect this from साइम. He's a very lively person. He's like a bigger than life kind of person. He's amazing. Shout out साइम. So it has been a fun year. Also, I wanted to ask, खाने की क्या अच्छी चीजें हैं टर्की में? Like टर्की में पाकिस्तानी खाना. The thing is, पाकिस्तानी जब जाते हैं टर्की से तो उनके टेस्ट, हम बहुत स्पाइसेस से यूज्ड हुए हुए होते हैं तो वो नहीं अच्छा लगता शुरू में. तो लोग, कुछ लोग होते हैं जाके पहले एक हफ्ते में कहते हैं, ओह माय गॉड इट्स सो अमेजिंग. मुझे पता होता है सबको बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन स्लोली मुझे भी शुरू में बहुत बुरा लगता था, बट एक महीने बाद आई गॉट यूज्ड टू इट. अब इतना हो गया कि व्हेन आई केम बैक, मुझे यहाँ के खाने में बहुत ज्यादा स्पाइस फील हो रहा था. यू मेंशन समथिंग अबाउट KFC, तो व्हाई इज इट बेटर देयर? उधर का ओके, सो फनी स्टोरी, ये गम हो जाएगा एक मैं बताता हूँ. गम टाइम बेसिकली, आई थिंक पाकिस्तान का KFC इज़ रियली गुड बाय द वे. जो भी अभी मुझे अटैक करने वाला है, आई लव पाकिस्तान का KFC. अभी सामने लाके रखेंगे, मैं 10 माइटी सिंगर खा जाऊँगा तो क्या कहते हैं. बट एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि आई ordered KFC बहुत पहले, 5-6 साल पुरानी बात है. यहाँ पे? अच्छा, पाकिस्तान में. तो 6 साल पुरानी बात है, मैंने KFC मंगाया और मैंने खाया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई. एंड अगले दिन जिस ब्रांच से मैंने मंगाया था, उस ब्रांच की वीडियो आई थी कि देवर यूजिंग डिस्कस्टिंग ऑयल, पता नहीं, आई डोंट नो, डेड चिकन और समथिंग, लाइक कुछ इस समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट बट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और मेरी और तबीयत ख़राब हो गई थी. तो फॉर सम रीज़न KFC खाते में मैं अभी भी हेजिटेंट हूँ, खाता हूँ फिर भी. लाइक अ ट्रॉमेटिक PTSD में फिर भी. लेट मी क्लेरिफाई, खाता में फिर भी. काइंड ऑफ मैं हेजिटेट बहुत करता था. और टर्की की इसमें क्या अच्छी बात है? टर्की का ये होता है कि हमेशा एक तो कुछ उनका मेन्यू बहुत बुरा होता है, आई हैव टू एडमिट, लेकिन इफ़ यू नो व्हाट टू पिक, जैसे उनका माइटी जिंगर जो है, जो भी टर्की जा रहा है, डबल एक्सट्रीम कुतु मील कहते हैं उसको, जस्ट गो गेट दैट. मैं सारे में टर्की की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. दैट मतलब वो इट्स जस्ट वेरी फ्रेश, हमेशा गर्म होता है. द फ्राइज आर रियली गुड. एंड इज द मेन्यू देयर एनी डिफरेंट फ्रॉम द मेन्यू हियर? जैसे मैकडॉनल्ड्स इज डिफरेंट एवरीवेयर, राइट? तो उस हिसाब से माइंड यू, टर्की का मैकडॉनल्ड्स इज हॉरिबल. Horrible. Never ever ever tried it. It's so bad. It's genuinely so bad. It tastes bad. Yeah. Oh. Bahut like stale hota hai. Shout out to KFC. Shout out to KFC. Although Saim ne mangaya tha McDonald's, that one thing was good, but uske alawa it's Saim khata hai McDonald's. Maybe it's like according to their spices or something. Haan, wo to acha hoga. Nahi, unko bhi apna McDonald's hi acha lagta. Yes, really. मैं जब आया था ना वापस, लोग मुझे बोल रहे थे कि तुमने वहाँ पे लाइक क्या खाना खाया था, तुम्हें अच्छा लगा ना? मैंने कहा मैंने इस्तकलाल स्ट्रीट पे कराची बिरयानी खाई थी. अच्छा, यहाँ पे भी तो एक वो टर्किश कैफे खुला है ना, मेरा दिल है मैं जाऊँगा उधर. एंड आई जस्ट आई वेंट टू काफ लास्ट,
It was really good. I had Thai Spanish tea. I didn't like it. मैं भी गई थी. It was really nice. Really? Yeah. I don't know. मैं जाऊँगा उनसे Turkish. I had there वो red सी जो tea होती है उनकी. They speak Turkish. Really? Yeah. They were speaking to us in English and you know वहाँ पे वो सही vibe भी थी और लोग Turkish tea, apple tea. वही ना वो मैंने वही पी थी but I didn't like that. मुझे बहुत कड़वी लगी थी for some reason. Do you remember उस tea की price क्या? No, I don't actually. I'm pretty sure expensive होगी because we live in a capitalistic world. It was very expensive, by the way. वैसे मैंने जितने भी Turkish dramas देखे हैं, like उनकी apple tea is the famous thing. आप vibes ले रही थी वहाँ पे? हाँ, जो vibes ले रही थी. नहीं, मैंने मैं वहाँ पे गई थी, but I was having a Spanish iced tea. By the way, वो apple tea नहीं होती जो Turkey में casually सबसे ज़्यादा पी जाती है. कहवा कौन क्या क्या होता? उधर की बाय द वे टी इज आल्सो कॉल्ड चाय तो चाय इन टर्की इज चाय तो टर्किश एंड उर्दू लाइक बहुत सिमिलर है बीच बीच में तो वो जो चाय होती है इट्स थोड़ी सी कड़वी थोड़ी उतनी नहीं होती Like the चाय वो उनकी चाय ही होती है वो ब्लैक वाली ना रेड वाली अच्छा वो रेड आई वो जो छोटे से कप में होती है ना हाँ 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 ह
टेनिस प्लेयर यार, मेरा बड़ा ऑन एंड ऑफ चलता है, बट आई एम स्टिल लाइक सॉर्ट ऑफ पैशनेट अबाउट इट. मैंने आई थिंक रीस्टार्ट किया था टेबल टेनिस, कोविड में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, एंड देन आई गेन्ड वेट एवरीथिंग. आई थिंक ऑगस्ट 2021 में आई वाज लाइक मैं स्टार्ट करूँगा फिर से, बट मेरी सर्जरी हो गई. सर्जरी के बाद जो एक दो महीने के बाद आई स्टार्ट प्लेइंग अगेन, बट मेरी टेबल टेनिस उसके बाद से हैजंट बीन द सेम. लाइक आई कैंट गिव इट प्रॉपर टाइम. मेरा ये होता है कि पाकिस्तान में मैं खेलता था दो हफ्ते, फिर एक हफ्ता छोड़ता था, फिर दो हफ्ते खेलता था. टर्की में मैंने सोचा था जाके आई स्टार्ट अगेन, उधर के प्लेयर्स भी अच्छे कंपेयर टू पाकिस्तान. तो मैं टर्की में माई टेबल टेनिस वॉज जस्ट मी गेटिंग लाइक यू नो पैशनेट फॉर लाइक वन वीक. उस एक हफ्ते मैं दो दिन जाके खेलता था, देन तीन महीने छोड़ता था, फिर इस तरह शुरू करता था, फिर तीन महीने छोड़ता था. बट सरप्राइजिंगली आई हैव इम्प्रूव्ड, एंड अभी मैं पिछले दिनों खेलने गया था तो माई पीयर्स वर सेइंग क्या बात है. मैंने देखी हुई है यार, यू आर रियली गुड एट इट, बिकॉज मैंने ना स्कूल टाइम पे खेली हुई है टेबल टेनिस, और द लास्ट ईयर आई प्लेड आई हैड लाइक first position. तो ऐसे technical difficulties हो गए paranormal difficulties हो गई हैं हमारी जिंदगी के, थोड़े से मसले हो गए guys. Khayyam is fixing it, he's on it. Khayyam king and he's back. Shout out to Khayyam. I fix lives. मेरी बात सुने, आपने सबको दे दिया, मुझे यूसरा को भी दें. नहीं देना. Shout out Khayyam. Yeah. उन्होंने अपने पेज पे भी बर्गर बनाया, प्लीज जॉइन. ये बलात् का बहुत गहरा नाता है इस इमोजी के साथ. हैशटैग बर्गर क्लब गाइस, कम आवर बर्गर एक्सपोजर. ये आ गया, ये जो बर्गर है ना, ये वो KFC का माइटी बर्गर है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था फ्राइज के साथ. डैम, बट क्या कहते हैं, यू वर सेइंग कि यू यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस. या आई प्ले टेबल टेनिस जब मैं स्कूल के लास्ट 2 इयर्स थे. But I realized after watching your videos, I was not good. They were really bad people. Because last year, मैंने एक साल ही एक कॉम्पिटिशन था. लाइक स्कूल में हमारे ना टीम्स होती थी. लाइक पूरा स्कूल इज डिवाइडेड इनटू 4 houses एंड यू हैव स्पोर्ट्स मीट्स एंड यू नो यू प्ले गेम्स. वो सारा होता था. तो द लास्ट ईयर आई प्लेड, आई डिड विन. लाइक मेरी फर्स्ट पोजिशन आई थी, एंड यू नो आई वुड लाइक, बट आई जस्ट रियलाइज दोज वर रियली बैड. यू नो आई वाज नॉट गुड एट इट, दोज पीपल वर रियली बैड एट इट. मेरी क्लास में थर्ड पोजिशन है, कितने बच्चे क्लास में 4. ऐसा सीन था लाइक, बट ही इज लाइक रियली प्रो. ही इज एक्चुअली प्रो. नेशनल लेवल पे खेल के आपको पता है भाई, टेनिस प्रो मैक्स. ऑफ प्रो मैक्स. नहीं, आई एम प्रीटी श्योर. एट वन पॉइंट डिड यू रियली वांटेड टू परस्यू इट एज अ करियर? दो
That's the gham thing. Ye genuinely. I know that. Okay. I know that. Do you want me to get into that? Yes, gham? Please. Basically, okay. The thing is ke I was really passionate about table tennis. Halanki I started when I was 16, 17. Mm-hmm. Club level pe khelna. Usse pehle main ghar mein aur school mein khelta tha. So it wasn't really, I don't even consider it. 16, 17 pe maine club pe khelna start kiya tha. And then I realized के जो मेरे साथ के players थे और मेरे से जो कुछ senior थे I was catching up to them. तो I realized के I had enough passion to like catch up quickly. और मेरी game भी improve हो रही थी. खैर 18, 19 का जब मैं हुआ I was very passionate कि मैं table tennis player ही बनूँगा. Ignoring के पाकिस्तान के sports के हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है. I was like मैं बस एक स्पोर्ट्समैन ही बनूंगा और ये मैंने सोच लिया था. इन द मीन टाइम मेरे घर वाले वर सेइंग के तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए एंड आई वाजंट अपोज्ड टू द आइडिया. आई वाज लाइक यस पढ़ाई इज़ ज़रूरी. बट मैंने अपना टाइम स्पोर्ट को ही ज़्यादा देना था. इवन मेरा जो कॉलेज था, मैं पंजाब कॉलेज से पढ़ा हूँ अनफॉर्चुनेटली. खैर तो मैं लाइक आई सेड मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ा था तो मेरी उधर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप थी तो मुझे आई डिडंट हैव टू पे एनी मनी दो साल. तो मैं चाह रहा था कि इसी तरह का कोई सीन हो कि आई कैन फोकस ऑन माय स्पोर्ट एंड पढ़ाई और साथ साथ चलती रहे. स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स इन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह दे डू दैट बट वो फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देते. पाकिस्तान में तो फिर वो फिर आपको दे देंगे. मैं उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं दूंगा. उधर एजुकेशन लेवल वैसे ही पाकिस्तान का उस तरह नहीं है. वो और ही डाउन हो जाता है. अग्रीड. और स्पोर्ट्समैन वैसे ही उधर बहुत नेग्लेक्टेड हैं. बहुत हाँ, हमारे यहाँ तो वैसे भी स्पोर्ट्स को सीरियसली लिया नहीं जाता जब तक आप बाबर आजम और रिजवान नहीं बन जाते. जो बात है. True. तो ये हुआ. मैं ये सोच रहा था कि यूनिवर्सिटी में भी साथ साथ लेके चलूँ. मेरे घर वाले वर लाइक तुम चाइना चले जाओ, वहाँ पर तुम CS कर लेना because they wanted me to do CS and साथ साथ अपना जो भी तुमने करने कर लेना. I was like sure that sounds like a very good thing. मैं गया चाइना. चाइना में इतना मैं like चाइना भी गया. So you have been to China? Yeah, just for 2 months. Oh, okay. इतना ज़्यादा नहीं. मैं आया घर वापस and 3 दिन बाद COVID अनाउंस हो गया था. और ये वो वाले टाइम है जब लाइक COVID was like चाइना में COVID. आप चाइना में थे उस टाइम पे. हाँ जी. तो कोविड अनाउंस हो गया. तो मैं वापस आया एंड देन ये थोड़े टाइम बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि ना मैंने CS करना है और ना मैं चाइना जाना है. और टेबल टेनिस फिर मैंने थोड़ा सा खेला बट फिर मैंने कोविड की वजह से रोक दिया. उस टाइम में मुझे रियलाइज़ हुआ कि लेट्स लुक एट थिंग्स फ्रॉम वेरी रियलिस्टिक परस्पेक्टिव एंड आई रियलाइज के स्पोर्ट्स का नहीं है स्कोप इतना पाकिस्तान में. इवन अगर मैं वो यू नो मेक माई ओन कॉन्टैक्ट्स ब्रांड्स को खुद अप्रोच करूँ आई डोंट इट्स नॉट इवन अ वर्थ इट वो जर्नी. तो खैर फिर आई थिंक के मैं मेरे घर वालों ने पूछा कि तुमने क्या करना है अब क्या करना है. एंड उस टाइम में आई वॉज गेटिंग रियली इन टू लाइक मीडिया एंड ये सारी चीज़ें. तो आई वॉज लाइक आई कैन वांट टू डू दिस क्योंकि इट वॉजंट इवन के आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस. इट्स जस्ट के आई न्यू के आई डोंट वॉन्ट टू डू इंजीनियरिंग और ये वाली चीज़ें एंड दिस इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन. तो आई टोल्ड देम मैंने ये करना है. दे वर लाइक श्योर अप्लाई टू प्लेसेस. पर मैंने अप्लाई किया. मैं टर्की में एक्सेप्ट हो गया एंड आई वॉज लाइक ये. तो नाउ टेबल टेनिस फॉर मी इज मोर ऑफ अ वो वाली चीज़ जैसे देख के डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यू नो काश पाकिस्तान में ऐसा होता तो आई कुड हैव लाइक गॉन फॉर दिस. एंड इवन नाउ देयर इज लाइक जब मैं डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग. सो आई जस्ट टेक इट एज अ हॉबी रादर देन यू नो. वी डिड डिस्कस दिस इन डीब्रीफ बट आज बस एक गम पर्सपेक्टिव से हो रही है. और लास्ट टाइम आपका मैच था ना लाइक नेशनल लेवल पे आई गेस. लास्ट टाइम जब आप कह रहे थे कि यार मेरा मैच है लेकिन मैं चला जाऊँगा उस टाइम लगता है कि आई थिंक वो हाँ उस टाइम पे कोई टूर्नामेंट हो रहा था बट मैं टर्की वापस अभी रिसेंटली भी मेरे साथ बड़ा वो हुआ था. आई लाइक लास्ट दिसंबर में आया था. मैंने ट्रायल्स दे दिए थे और मैं रह सक लाइक खेल सकता था नेशनल चैम्पियनशिप. इस्लामाबाद टीम में आई केम सेकेंड विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग. दैट्स बिग. तो क्या कहते हैं बट मैं जा नहीं सके बिकॉज मेरा रेजिडेंस परमिट का इशू हो गया था तो आई हैड टू गो बैक. बट खैर टेबल टेनिस ने धोखे दिए बस. बहुत बड़ा गम था ये.
इतनी शिद्दत वाली चीज है लेकिन मिली नहीं वो जिंदगी में. जिंदगी ने नहीं, टेबल टेनिस ने बलाज को बहुत दिए धोखे. बलाज ने कहा इट्स ओके. बट इट्स गुड, लाइक यू नो इट्स समथिंग दैट यू स्टिल हैव. You can play whenever you want to, whenever definitely. You want to unwind, whenever you just want to, you know, play a game or two, and then at the same time you have other things going on. Like, basically, yeah. I'm glad ke I think I stopped at the right time. Matlab, I wish I would have stopped expecting too much sooner, but wahi baat hai ke the first time, the best time to plant a seed was 20 years ago, and the second best time is right now. So, jab maine I think wo expectation chhodi, I think that has to be the right time. But yeah, it's just kind of sad. Yeah, it is. It's very sad. Shout out. Bahan. Because I'm sad. Shout out. No. Snoop Dogg, shout out to myself. Shout out to believing myself. Believing on me. I like to thank me for believing true. In me. Ek aur. Haan, boli. Nahin, main bolta. Ek baar phir se, guys. Koi ek bol do yaar. Aap kaisi hain? I'm good. Bada, jaise chup chup si hain thodi si. Kya kiya aapne waise bala? Aap dono kare, aap tino ko ek cheez bolna chahta hoon. Achha, inhoon ne mujhe phir cut kar diya. मैं कुछ नहीं कर रही थी कि हम करें. आप जो बोलना चाह रहे हैं बोले. आप काफी टाइम से नहीं बोली. कॉइन मिल गया. मिला. पिक्चर वाली साइड या नॉन पिक्चर वाली साइड? पिक्चर. You go. अच्छा आप मेरे से पूछ रहे थे. चले आपने कहना क्या था? कुछ भी नहीं, मैंने बस ये कहना था आप कोई और गम बताएं अपना. मेरे वैसे अभी इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि बोल दे आप. काम ने ना लास्ट, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो देखने का लास्ट हमारी जो गमावर थी, उसमें भी खयाम ने कुछ ऐसे ही रिएक्शंस दिए थे वर्दा की सोशल डिलेमा देखने पे. और लुक आई थी खयाम के फेस पे कि अच्छा इसका मतलब अगर आपने देखी है तो आप ये सवाल नहीं. हाँ, ये क्यों पूछा है. अभी भी कुछ वर्दा के सवाल पे खयाम का रिएक्शन नहीं था. जज किया गया मुझे. जज हुआ है. वैसे ही मैंने जज तो नहीं किया. मैंने कहा इतना मैंने वो आपसे मैं ना एक और चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ. आपका कोई कंटेंट से रिलेटेड गम है? बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं. लेट्स मूव टू कंटेंट साइड नाउ. एक्चुअली एक है सरप्राइजिंगली. आई थिंक एक साल पहले एक जो दैट आई कैन थिंक ऑफ. एक साल पहले आई यूज टू लाइक आई स्टार्टेड मेकिंग टिकटॉक्स. अपेरेंटली लाइक बेसिकली मुझे ये था कि मैं बताता हूँ मैंने टिकटॉक्स बनाना क्यों शुरू. आई डोंट डांस ऑन टिकटॉक. वेल आई डू समटाइम्स. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? खैर आई एक्चुअली एंजॉय योर टिकटॉक. थैंक यू. आई डू. इट इज वेरी सैड. आई डोंट डू डांस. ओह आई डू समटाइम्स. व्हाट क्या मतलब है योर टिकटॉक्स आर रियली फन. थैंक यू. एक्चुअली यस यस वेरी ट्रू. थैंक यू. मैंने बेसिकली पाकिस्तानी टिकटॉक को हर कोई कहता है क्रिंज है. everyone can have their opinion. I think it's very cringe को बहुत like extent तक. तो मैंने TikTok इसलिए बनाना शुरू की थी क्योंकि everyone used to say के it's cringe but no one actually does anything about it. So I was like why not I you know fill that hole in the market. तो मैंने वो वाली उन वीडियो से स्टार्ट किया कि आई जस्ट एक्सप्लेन स्टफ के हाँ ऐसे क्यों होते. तो इन माई विद माई ओन टच. तो खैर मैंने वो बनाना शुरू की एंड टिकटॉक पे ना दे गॉट लाइक अ रियली गुड रिस्पॉन्स. एंड बट मैं कभी वो इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट करता था रेयरली बिकॉज मुझे ये होता था कि दिस पर्सन दिस एक्स वाई जी पर्सन फॉलोज मी जजमेंट बेसिकली. देर वर अ लॉट ऑफ अदर क्रिएटर्स दैट आई यूज टू लुक अप टू एंड मुझे ये होता था मैं पोस्ट करूंगा तो वो क्या सोचेंगे कि ये क्रिंज कॉन्टेंट बना रहा है ये कर रहा है. अनटिल वेरी रिसेंटली एक हमने देखा हमजा भट्टी वगैरह के बाद एक वेव ऑफ शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट आई है. बाय द वे उससे पहले मैं सबको कहता था आई यूज टू टेल एवरी वन के
post short form content jo make content that works on TikTok better, nah? Yeah, I was like make content on TikTok or you know YouTube shorts and post it on Instagram, just post it. But main khud like wo hota tha, hesitant hota tha ke I like ye kahenge cringe hai. I just, you know, I had this fear of judgment. So how did you overcome that? I'll get to that, but थोड़े टाइम बाद जब जो मेरा गम पार्ट आता है ना इधर, वो वन ऑफ दोज क्रिएटर्स जिनको आई लुक लाइक बहुत लाइक सबसे ऊपर रखा था, दे सेड के देर ऑल्सो शिफ्टिंग टू शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट एंड आई लुक एट इट एंड आई वॉज लाइक ओके हु डू आई ब्लेम राइट नाउ. वैसे तो यू शुडंट टॉक इन टर्म्स ऑफ ब्लेम, बट आई वॉज लाइक इफ आई हैव टू ब्लेम समवन इट्स मी. I just let that fear of judgment get in my way. Varna, I could have been here. Agar, if this happened, I would have been here. If this happened, I would have been there. Yeah, you have been ahead of it. Like, but phir wo ek mera gham tha. Then I went through it in therapy and then I discussed this with my therapist and she told me ke, you know, she made me understand ke ye jo sari cheez aa rahi hai, ye ek fear of judgment ke usse aa rahi hai. And then we worked out ke how, you know, I'll get over it, and I am alhamdulillah over it, so that's nice. Now I'm posting content and TikTok and good content. Good content, it's really good content. You know, if you look at it na, सीधी सी बात है यार, इफ यू एंजॉय मेकिंग इट एंड इफ यू कैन वॉच योर वीडियो मिलियन टाइम्स दैट मींस इट्स अ गुड कंटेंट. मैं तो एक तो ये बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्टिक बात लगी कि मैं पोस्ट करता हूं 50 बार खुद देखता हूं. ओह माय गॉड, आई डू दैट टू. ए मुझे हां पता, इट मींस दैट यू आर एंजॉयिंग इट ना, तो आपको मजा आ रहा है तो फिर ऑडियंस को भी मजा आएगा यार. इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑल इन द हेड. जो बात है, इट्स ऑल. मुझे एक चीज बताएं कि ये चीज आपके ज़हन में कब आई थी कंटेंट के अलावा, कि अगर आप ये चीज़ें पोस्ट करेंगे तो सर्टेन लोगों ने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया था, या वो पहले फॉलो नहीं करते थे अब आपके सर्कल में हैं तो तब आपके दिमाग में ये चीज़ आई थी, उससे पहले आप करते थे नहीं करते थे? पहले थी, लेकिन ये जो एक उससे पहले ये फ्लीटिंग थॉट थी कि आई चली गई. उसके बाद ना काफ़ी ये अपेरेंट सी हो गई थी कि जब वेन आई हैड टू डू द टास्क, तब मुझे वो होता था कि पोस्ट करूँ ना करूँ, कहेंगे ये है वो है वो है. बट नाउ आई एम जस्ट लाइक करो जो करना है, इजी. आई थिंक जब आप बहुत से लोगों को जब आप देख रहे होते हैं जिनका कंटेंट, और इवेंचुअली अब आप उनके सर्कल में शिफ्ट, क्योंकि आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, इवेंचुअली आपका सेम सर्कल होगा, वो कोई एलियन तो नहीं है, तो फिर ये चीज़ आती है. क्योंकि मेरे दिमाग में भी आई थी एक दिन, मैं जिस तरह कंटेंट में बनाता था, लाइक मैंने कभी परवाह नहीं की मुझे कौन फॉलो कर रहा या नहीं कर रहा, और मैं लोगों को क्योंकि बोलते इंटरेक्शन भी नहीं रखता इतना ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट के. पहले स्टार्ट में मैं करता था कि यार मैं फोटो पोस्ट करूँ, वीडियो पोस्ट करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं उनको एक पावर दे रहा हूँ कि कंट्रोल कर सकते हैं मुझे, उनके अंदर एक पावर होगी कि वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं. फिर मैंने वो करना छोड़ दिया बिल्कुल भी. फिर मैंने अपने हिसाब से जो मैं स्टोरीज बनाता था, जो मैं फोटोज़ बनाता था, मैंने पोस्ट करनी शुरू कर दी. उसके भी मुझे कोई इंगेजमेंट नहीं आ रही थी, लेकिन मतलब जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही थी. लेकिन मैंने कहा कि लाइक मेरे लिए जितने लोग आ रहे हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं ना, लाइक मेरे लिए बहुत हैं ये. उससे क्या हुआ कि मेरे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मैं जो भी करूँगा ना लाइक ईजी सीन है वो. लेकिन जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते गए ना, तो लाइक सर्कल में वो लोग आने लग गए जिनका कॉन्टेंट मैं देखता था, जिनसे मैं सीखता था. फिर मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आई कि यार अब मैं लगाऊंगा तो बंदा क्या सोचेगा, अब मैं लगाऊंगा तो बंदा क्या सोचेगा. तो हफ्ते तक ना मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट आया और मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करा. फिर मैंने सोचा कि यार लाइक जिसने जो सोचना है वो अनफॉलो कर दे. लाइक मैं एक फॉलो के लिए लाइक वो बंदा मेरे सर्कल में सिर्फ उसको रखने के लिए, अगर वो रहना चाहता है तो मेरी पर्सनैलिटी पर रहे. अगर वो मुझे जानता है और अगर वो मुझे लाइक रहना चाहता है तो वो मेरी पर्सनैलिटी पर रहे, ये ना रहे कि मैं कंटेंट क्या लगा रहा हूँ. और मुझे पता है अगर कि मैंने गलत कंटेंट नहीं लगा रहा तो फिर जो फिर सोचता रहा है. उसके बाद फिर मैंने कहा लाइक अब तो मैं देखता ही नहीं स्टोरीज, मैं स्टोरी अपलोड करता हूं. जो आप उस तरह बनाते हो, थिंग्स दैट यू लाइक या हाउ यू एक्चुअली आर, पीपल लाइक दैट मोर. एग्जैक्टली. आई थिंक एक इरफान जिन्होंने एक बात की थी कि इफ यू आर पोस्टिंग कंटेंट दैट you're enjoying, like aapko dekhne mein maza aa raha hai, there will be people out there who enjoy it just as much as true, you do. True. Exactly. That's the baseline to any content. Yes. Exactly. Mm. If you're not enjoying what you're making, nobody's gonna watch it. Jaise I feel like gum hour. Literally. Hum khud apni episodes rahe hain. Hume bahut maza aa raha hai gum hour. Hume bahut maza aa raha hai guys. Guys, isko dekhe. Shout out gum hour. So ye scene hai, but content is a very weird thing वैसे, you know, you cannot never really figure it out कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. लाइक यू वर मैंशनिंग, हम बाहर बैठे हुए थे कि यू नो अ वीडियो दैट यू जस्ट पोस्टेड ऑफ BTS ऑफ, यू नो, आपकी बहन ने बनाया था, एंड देन इट्स लाइक 100K पे, एंड देन यू लाइक इट्स सच अ सिंपल वीडियो. इट्स लिटरली मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, मैं अपनी अम्मी से लाइक गले मिलाऊँ,
एंड दैट्स इट. और आई थिंक बाद में उन्हें लाइक हमारा रिचुअल है, जब भी मैं घर आता हूँ मैं उन्हें यूं करके उठा लेता हूँ. दैट वाज द वीडियो. एंड लाइक अभी आते हुए मैंने देखा एंड इट हैड 100,000 व्यूज व्हिच वाज सो नाइस. और देन आई रियलाइज बाद में कि उसको मैं उस वीडियो को मैंने कोई 100 बार खुद देखा. इट्स द होलसम कंटेंट. और उसके पीछे हमेशा होती है लाइक जितनी कम एफर्ट डाली होती है ना द कंटेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. द मोर जेन्युइन इट इज द मोर इट कनेक्ट्स. पीपल लाइक इट. ओ यू नो देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो उस होलसमनेस की वजह से लोगों ने मैं कभी कभी वीडियो पोस्ट करूं और वो लाइक ज्यादा शेयर हो लोग ज्यादा मैसेज करें तो मैं बार बार देख रहा हूं कि इसके लिए क्या है यार. मेरी तो पूरा इंस्टाग्राम यही है भाई. मैं तो मुझे नहीं समझ आती कोई बार बार देखती हूं. मुझे कोई समझा दे कि मेरे इंस्टाग्राम पे क्यों आती है लाइक्स और शेयर्स मुझे नहीं पता. I don't do anything. Khayam ka bahut bada shikwa hai is baat se ki why do I get likes. ये क्या हुआ? उठा लो लाइक गिनती करो ना आपको लड़कियां याद आएंगी लाइक 5-6 लड़के इरफान भाई मोरू भाई ओ काजी अकबर. तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो फीमेल को इंगेजमेंट इसलिए मिलती है क्योंकि फीमेल ऑडियंस ज़्यादा है. वो मुझे कोई पूरी करने देगा कभी बात हो तब ना उधर काट दिया था मुझे कि फीमेल्स ऑडियंस ज़्यादा है तो इसलिए. तो आई फील लाइक वी नीड टू लाइक अनपैक दिस सिचुएशन मोर. यस यस प्लीज. हाउ डू यू फील अबाउट दिस होल सिचुएशन? देखो मेरी ऑडियंस के अंदर 60% लड़कियाँ फॉलो करती हैं और 40% लड़के. तो ऑब्वियसली कि इंस्टाग्राम लेडीज फर्स्ट प्लेटफॉर्म है लेडीज फर्स्ट. एंड जस्ट सेइंग दैट हाउ डज दैट मेक यू फील? Interesting question. Very thank you. Question. Good question. Balaj, very good question. Next question, please. I think Pakistan में ना लड़कियों के लिए कुछ safe प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया का. ठीक है फेसबुक था लेकिन फेसबुक इवेंचुअली ऐसे से लोग उसके अंदर भर गए हैं कि आप जब फेसबुक खोलते हो आप एक रैंडम तस्वीर लगाओगे नीचे रैंडम 50 लोगों ने गालियां दी होंगी. ठीक है तो वो पहले सब लड़कियां थी फेसबुक पे उन्होंने पर्सनल प्रोफाइल्स बनाई हुई थी और प्राइवेट प्रोफाइल्स बनाई हुई थी लेकिन लोग डीएम कर देते हैं लोग रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं आप लाइक लिटरली फेक आईडीज भी बनती होती थी मुझे याद है. अभी बोलने लगा था कि फेक आईडी बनी हुई होती है और वो लाइक लड़की भी बोल रहा होगा वो लगा कि वो और बातें कर रहे होते थे. ठीक है लाइक लोगों what side of Facebook were you on? I just want to know. That was like trending thing. क्या हर बंदे के तीन तीन Facebook fake आइडिया. लड़के का नाम होगा हनी और लड़की उसके साथ 5 आइडिया होंगे हनी हनिया और वानिया. Literally ये बहुत common चीज थी. 6 अकाउंट थे इसके. How old am I right now? Yeah. 21. ओके इतना तो नहीं है मैं 22 का. इतना पुराना तो नहीं है लेकिन शायद लोगों की सर्कल की भी बात होगी ना कि किस तरह. अच्छा नहीं फेक एक तो होता था ना अपना नाम रखे ना ऑक्सम अमेजिंग वो बाबा की प्रिंस फेसबुक पे वो अब इंस्टाग्राम पे यू नो अ लॉट ऑफ बॉयज स्टार्टेड मेकिंग आईडीज गर्ल्स के नाम पे एंड यू नो फ्रेंडेड गर्ल्स एंड यू नो वो सारा स्कैम वो वाली. ये वो टाइम था ना जिस वक्त इट वाज एक्सेसिबल टू अ लॉट ऑफ पीपल देन वो गांव के लोग भी इसमें शुरू हो गए. तो ऐसे हुआ कि लाइक लड़कियों के लिए लड़कियों के नाम क्योंकि तस्वीर लगी हुई थी वही तस्वीर निकाल लड़की पाकिस्तान में मसला है लड़कियों की तस्वीर लीक होने का कि उनकी तस्वीर निकाल कर फिर फेसबुक पे लगा दी. मुझे एक दफा एक मुनजा की रिक्वेस्ट आई थी और डीपी मेरी लगी थी. वाओ ठीक है ओके. किसी ने इस तरह मेरी दोस्तों के साथ भी वो मिनाहिल को एक कंटेंट क्रिएटर है शी पोस्टेड द अदर डे के उसने उसकी एक अकाउंट था उसे इंपर्सोनेट करा था. शी टुक अ पिक्चर ऑफ हरसेल्फ सेंडेड के कहती ये भी लगा लो सिंस यू आर लाइक ट्राइंग दैट हार्ड टू इंपर्सोनेट. नहीं देन अगेन वो फेक आईडी भी बनाई है और फिर मुझे ही रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि अच्छा देखो हमने बनाई ताकि आपका और कंटेंट लेके फेक आईडी किया जा सके. तो मैं कह रहा था फेसबुक जो अकाउंट था वो सेफ नहीं था. ठीक है तो उन्होंने देखा कि यार कोई और अकाउंट है लाइक स्नैपचैट को एक्सप्लोर किया बहुत से लोगों ने. अभी तक मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो स्नैपचैट यूज़ करती हैं और उन लोगों ने देखा कि इंस्टाग्राम पे जाते हैं इज़ वेरी सेफ वैसे. हाँ क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ नहीं है ना लाइक प्राइवेट है उसको आप लाइक फेक अकाउंट नहीं बना सकते. फेक अकाउंट बनाने के बाद क्या करोगे? वो भी तो आया था ask.fm किसी को याद है? ठीक आया था दरमियान में कि कितने लोगों ने लेकिन ask.fm तो मेरे ख्याल से सबने यूज़ किया था. मेरा से नहीं लेकिन एक दिन बस बैठेंगे एंड रिविजिट आवर आस्क एफएम. अच्छा फिर तो इंस्टाग्राम ऐसा एक प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर उनको स्पेस मिली. उन्होंने आकर देखा कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं है. अभी फेसबुक पे आप जाओ ना लाइक लिटरली लड़के भी न्यूज़ कर रहे इतना अनसेफ हो गया लड़कों के लिए भी. तो इसलिए इंस्टाग्राम पे बोले अब तो अब मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है कि यार एटलीस्ट
कहीं पर तो लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन है और कहाँ पर है, लाइक अगर आप वैसे जनरली देखो कहीं पर भी नहीं, चलो ऑनलाइन तो कहीं पर है ना, और लड़कियों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया लड़कियों ने, और ऊपर से इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कियों ने जो बिजनेस स्टार्ट किए वो नजर आया कि यार लोग कुछ करना चाह रहे हैं, उनको सेफ स्पेस नहीं मिल रही। तो मेरा सवाल है आपको यूसरा से फिर मसला क्यों है? मसला ये है, अच्छा अब किसी मसले पे आते हैं, ये मेन क्वेश्चन है मेरा, अभी मसले पे आते हैं कि यूसरा लाइक मैं मिनटे करता हूँ यूसरा की, मैं बोलता हूँ यूसरा मैं आपकी वीडियोज बनाऊंगा, मैं आपकी फोटोज बनाऊंगा, यूसरा कहती है नहीं मैंने नहीं करना, ठीक है एक दिन यूसरा बैठी होगी लाइक पुरानी 500 साल की वीडियोज जो होंगी वो 3-4 जोड़ के लगाएंगी, लाइक व्यूज ही व्यूज होंगे 500 साल, लाइक लोगों के अकाउंट डेड हो जाते हैं, अपलोड करेगी तस्वीर यूसा की लाइक 10,000 व्यू लाइक्स आ रहे हैं तस्वीरों के ऊपर, उनका एस्थेटिक है ना, हां तो मे बी इट्स बिकॉज़ ऑफ दैट, ऐसा कौन सा एस्थेटिक है, अपना एस्थेटिक है गाइस, आप ये देख रहे हैं कौन सा एस्थेटिक है, कैसे हो सकता है एस्थेटिक, स्टॉक यूसा का अकाउंट अभी मतलब कर लें यूसा का, कर लें एज ए कैम गेम चले खास नहीं है बट कर लें, मैंने ऐसे नहीं कहा, आपके अकाउंट के बारे में कैसे उनके बारे में नहीं कह सकता, हां अच्छा ठीक है ओके फाइन ओके I'm on Yusra ka account by the way. Go follow me guys. What a account. What a account. Shout out Yusra. Aap se mere ko yaar mujhe bhi char Balaj. What is this? Phir ek minute bol diya. It's a nice account. Dikhaye. Like it's nahi ab to like ho gaya nice na. Main pehle ki baat kar raha hu like starting ki baat kar raha hu. Aap kya kehna cha rahe hain? I feel like we need to unpack this. Yeah, we really need to. खयाम सर लोगों के 5-6 महीनों में अकाउंट डेड हो जाते हैं, यूसरा पोस्ट करे 10,000 ये तो है यार, ये तो लाइक सही बात है, लोगों के अकाउंट डेड हो जाते हैं, इंस्टाग्राम इट्स जस्ट लाइक समटाइम्स लक रिकमेंड, वैसे भी कभी कभी हो जाता है, हाँ ये यार लक है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, ओह माय गॉड ही सेड यू नॉट स्किल्ड, यूसरा वो कह रहे इतनी कोई बात नहीं है, लक चल गई है तो चल गई है, मेरी क्या स्किल है, लोगों को पसंद आता है इसमें, मेरी तो कोई इस तरह की स्किल है, पसंद आ जाते हैं मेरा आपका भी कौन, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि लाइक मेरी क्या यार उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा बोलती है, तो इस वजह से नहीं ट्रू तो पता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए इसलिए उनका वो है, हर बात में इट्स लाइक आई नो इट्स ट्रू बट दैट्स व्हाई आई डन यू डन आई एम डन बलाज इज आवर गेस्ट आई थिंक सो, तो बलाज आप बताएं कि बिफोर एनीथिंग शाउट आउट वर्ल्ड यस फाइनली ये बेचारे का शाउट आउट रह गया था ओके दो पर शर्ट होते उनको भी दूसरी बटन वो कमिंग बैक टू प्लीज इंस्टाग्राम कंटेंट क्योंकि I don't know, I've realized this के YouTube पे कोई नया क्रिएटर नहीं है, जो पुराने क्रिएटर्स हैं ना वो ही उनका लाइक चल रहा है, I haven't seen anyone new, especially in Pakistan. एंड यूट्यूब को या तो कोई नफरत सी हो गई है किसी को वो भी नहीं करता नहीं नहीं मुझे पता ही लगता है कि जितने लोग अभी हैं ना वो अर्ली अडॉप्टर्स थे सारे ना लाइक उन्होंने ही स्टार्ट किए उस टाइम इंटरनेट पे कुछ भी नहीं बन रहा था पाकिस्तान का इतना खास तो उन्होंने स्टार्ट किया बनाना कंटेंट तो उनको वो एक एज मिला कि उनका नाम बहुत ऊपर था ठीक है तो आप लाइक काउंटिंग कर सकते हैं कि इतने ब्लॉगर्स हैं इतने टेक यूट्यूबर्स हैं इतने पॉडकास्ट होस्ट हैं हर बंदे का नाम तो जो अभी बॉयज़ हैं ना लाइक आप हो आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो ठीक है उसके बाद साइम है हारिस है मुस्तफ़ा बाबर लोग हैं ये इन सब का जो क्रू है उसके अलावा कि सब लोग ये नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं और लाइक ये वायरल है लाइक आप कैसे कह सकते हैं कि लोग आ नहीं रहे मसला ये कि कंटेंट बहुत डिफरेंट हो गया है हम जिस कंटेंट को फॉलो करते थे वो कंटेंट ही बहुत डिफरेंट हो गया बहुत डिफरेंट जॉनर्स निकले हैं आप व्लॉग लाइक प्रॉपर व्लॉग व्लॉगर कह नहीं सकते किसी को जो प्रैंक्स बना रहा है वो भी खुद को व्लॉग कह रहा है व्लॉगर कह रहा है जो अच्छी वीडियोस फनी वीडियोस बना रहा है वो भी व्लॉगर कह रहा है जो व्लॉगर है वो भी टेक यूट्यूबर्स भी आते हैं खुद को व्लॉगर कह रहे हैं इवन दो लाइक आप पिसा अवार्ड के अंदर जो आपकी कैटेगरी थी व्लॉगर के अंदर टेक यूट्यूबर्स को डाला हुआ था तो अब आप लोग जो हो लाइक स्पेशली आप लोग साइम लोग आप उस्मान मुमताज लोग हमजा चौधरी ये सब लोग नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं और बड़ी अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं लोग और ये बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट को लेके आ रहे हैं जिस तरह वो बना था जो पॉप सकाफत पाकिस्तान में बना था वो तो लाइक वो बहुत नेक्स्ट लेवल था जो साइम ने कंटेंट बनाया था वो नेक्स्ट लेवल था ये वो लोग हैं जिन जो लोग अभी प्रॉपरली स्टडीज कर रहे हैं प्रॉपरली कंटेंट का परस्यू नहीं कर सके क्योंकि इनको लगता है कंटेंट का कहीं कोई गेम नहीं है क्योंकि
अभी तो उनको खैर लगता होगा, लेकिन जिस तरह मैं अगर स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लगता था कंटेंट कोई गेम नहीं है, लेकिन मुजम्मल भाई लोगों के टाइम पे जब नया नया इंटरनेट था, कुछ भी बनाते थे तो वायरल हो जाता था, जरा से भी क्रिएटिव काम करते थे वायरल हो जाता था, तो उनको लगता था कि कोई ना कोई सीन तो होगा। फिर लोगों ने इंडस्ट्री बनाई, हम लोग बनाते लाइक हम लोगों की तरह के 50 लोग और कॉन्टेंट बना रहे हैं, कोई क्यों हमें देखेगा। लेकिन यह कि ये हम लोग जाहिर बात है लोगों को फॉलो कर रहे हैं, लोगों को कॉपी कर रहे हैं, मैं हजारों को कॉपी करता हूं। द थिंग इज आल्सो व्हाट वर्क्स बेटर डिपेंड्स ऑन व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दैट कंटेंट। अब अगर मैं बैठी हुई हूं और मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रही हूं तो शॉर्ट फॉर्मेट विल वर्क बेटर, व्हाई, बिकॉज आई एम सिटिंग एंड मैं बस देख रही हूं, बट इफ आई एम ईटिंग ठीक है तो आई प्रेफर यूट्यूब, सो दैट हैपेंस एज वेल। सो यूट्यूब उसकी ऑडियंस सेम भी हो सकती है बट चेंज हो जाती है। आपको मैं एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट के, जो हम लोग बहुत बातें करते हैं शॉर्ट फॉर्मेट की। फेसबुक पे आप लोगों ने कभी देखे, अगर आप लोग अभी किसी ने यूज किया, ओके वीडियो सेक्शन में जाओ, वीडियो सेक्शन में जाओ तो फिल्में आ रही होती है उसके ऊपर, फिल्म्स आती हैं पूरी हाँ, और वो देखता मैं पूरी फिल्म देखता हूँ। हमने देखी है ना, लाइक मैंने लाइक लिटरली लोगों को जानता हूँ जो पूरी फिल्म 30 मिनट की पूरी फिल्म होगी, 30 मिनट की फिल्म, हाँ आई हैव सीन दैट, 45 मिनट की पूरी फिल्म। उसका इंटरफेस इतना स्क्रोलेबल बना हुआ है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज होती हैं, टिकटॉक पे होते हैं ना 5 सेकंड की वीडियो स्क्रोल, 5 सेकंड की स्क्रोल, 30 मिनट की वीडियो स्क्रॉल एंड एक और 30 मिनट की वीडियो स्क्रॉल, इस तरह चल रहा होता है। एंड वो पूरी मूवीज के ना उन्होंने वो चंक्स क्वार्टर पार्ट्स होते हैं, क्वार्टर पार्ट्स होते हैं वो उठा के लगाए हुए होते हैं बॉलीवुड मूवीज, हां हॉलीवुड भी सम टाइम्स, पता नहीं थाई पंजाबी और वो जो वो साउथ इंडियन फिल्म्स होती हैं, तो लाइक लोग देख रहे होते हैं बैठ के। और मेरे इतने दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं जो रात को बैठ के देखते हैं, लाइक दो फिल्में देखते हैं उसके ऊपर आधी आधी, और फिर वो फिल्म जाके गूगल पर सर्च करके देखते हैं वो लोग फिल्में। तो ऐसे भी है कि लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, ऑब्वियसली कंटेंट जो एक्चुअल कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो तो जैसे इंस्टाग्राम पे लोग हैं वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद जब वो कुछ एक स्टाइल बन जाएगा तो फिर आगे तरफ तरीके की आगे तरफ जाएगा। ओनली फिगर्ड आउट टू प्लेटफॉर्म्स अभी तक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड लाइक यू वर सेइंग कि यू नो यूट्यूब पता नहीं अब कौन देखता है नहीं देखता, बट आई फील लाइक यूट्यूब इज अ कॉन्टेंट जो आप वो प्लेटफॉर्म जो कि आपसे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी मांगता है जो बात है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। यस विद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अगर तो आपका लाइक कंटेंट इस तरह इट टेक्स अ लॉट ऑफ एडिटिंग एनर्जी वो सब, तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू कीप दैट अप। मेरे लिए पर्सनली आई थिंक वही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म्स आर वर्किंग वेरी वेल, टिकटॉक इंस्टाग्राम ये चीज़ें। I really, really like YouTube, but for some reason YouTube isn't cooperating. तो YouTube मैंने अपना वो रखा हुआ है कि this is like stuff that I like to do. चलता है तो चल जाएगा, वरना I'll just keep posting the way I post. But दूसरा जो analytically भी थोड़ा देखना पड़ता है and sometimes I enjoy it like with the humor and stuff. वो mostly Instagram है. Yeah. True. So YouTube as a platform requires क्या बहुत effort. Consistent हो. And YouTube हमने figure out इसी तरीके से किया था जब हमने thought behind things करना शुरू की. True. So we posted every Monday, every Wednesday, every Friday at 10 for 2 years now. And that's how we know कि अगर आप consistently डालते हो तो there is going to be like people. अब और लेकिन Instagram पे ना you know you do upload content like it's working for you and that's good. लेकिन अगर आप YouTube पे consistent हो ना और जो आपकी YouTube से एक fan following बनती है That's more genuine. That's the strongest. Yes. Viewer quality on YouTube is the best. And yes. Vice versa अगर मतलब उसके opposite देखे जाए on the opposite end TikTok is the worst. No offense to any TikTok. It's just like na because if I'm watching something for a very short time, I'm not connecting with that person. Jo baat hai, I agree with that. YouTube is just pure entertainment for me. Exactly. Yeah. Like even YouTube pe kuch bhi dekh raha, you just feel like a अब आज सुबह ही मैं देख रहा था वन न्यू क्रिएटर दैट आई फाउंड आउट दैट आई विल गेट कीप एंड नॉट टेल एनीवन, इट जस्ट लाइक इट जस्ट फील्स सो मच मोर जेन्युइन व्हेन इट्स लॉन्ग फॉर्म। तो और ऊपर से जेन्युइन के अलावा भी ना कि अगर मैं यूट्यूब पर किसी को देख रहा हूँ ना और मैं बार बार देख रहा हूँ तो उसका मतलब है कि मैं उस बंदे को 10 मिनट के लिए देखने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं एक बंदे को 10 मिनट या 8 मिनट रोज देख रहा हूँ ना तो मैं उसको वो मुझे रिकमेंडेशन में नहीं आ रहा है कि तो उसकी 2 मिनट की वीडियो है मैंने देख ली और मैं आगे गुजर गया, 5 सेकंड की वीडियो या 10 सेकंड की वीडियो, उसको मैं जाकर देख रहा हूँ। और लाइक जितने भी कॉन्टेंट क्रिएटर्स को मैं फॉलो करता हूँ उनकी वीडियोज में जाकर देखता हूँ तो एक डिफरेंट तरीके का बॉन्ड होता है लिटरली। इट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। यस, इतने हमारे पाकिस्तान में लाइक मोस्टली जितने लोगों ने व्लॉग करना स्टार्ट किया वो इरफान भाई को देखने के बाद स्टार्ट किया, और हर बंदा लाइक ऐसे
मेरा नाम हेलो, ये है। नहीं नहीं हेलो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं यहाँ हर बंदा सीन्स कर रहा है क्योंकि कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता था दूसरे बंदे के साथ कि वो उसको लाइक अपनी आइडेंटिटी ही गायब हो जाती थी, जिस तरह नेटफ्लिक्स पे होता है, आप फिल्म देखते हो ना जब सीजन देख रहे होते हो, सीजन जब खत्म होता है ना तो आप ऐसे पैबलस को बार बार नहीं होते, तो वो तो फिल्म है, द मोर यू टाइम स्पेंड या मोर टाइम यू स्पेंड विद देम। वी हैव एक्चुअली स्टडीड दिस इन एडवर्टाइजिंग के लाइक पीपल tend to like change their you know attitudes and behaviors जिस चीज को वो देखते हैं उसी से वो अडॉप्ट। और वो एक फिल्म बनी थी ना जिसके बाद जो सबसे एक आर्टिकल पे फिल्म एक वो बुक के ऊपर फिल्म बनी थी जिस फिल्म के बाद वो सबसे ज़्यादा सेलिंग बुक बन गई थी जो उस फिल्म पे बनी थी उधर न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो वो अब उसका फिल्म का मुझे नाम याद नहीं है, उस फिल्म की वजह से तो इम्पैक्ट जो है फिल्म का वो इतना ज़्यादा होता है इस सीज़न का या फिल्म का, तो वो कॉन्टेंट के अंदर ऐसे ही है। अब वो तो अनरियल है ना, आपको पता है कि यार ठीक है मतलब मैं ये तो नहीं करूंगा, लेकिन इरफान भाई को देख लो, आपको देख लो फॉर एग्जांपल, आपको देखकर मैं कह सकता हूँ कि ओ यार कि हम कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा ये बंदा इसमें मिलता हूँ, इसको मैं जानता हूँ, या कुछ ना कुछ तो कनेक्शन तो होता है, तो जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करें उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है आपका उनके साथ, तो उतना ज्यादा लॉयल हो जाता है। बट वन थिंग दैट आई विल गिव इट टू यू लाइक बिलाल, बिकॉज आपके शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ कॉन्टेंट में भी देयर इज सो मच कनेक्शन, like your personality shines through it. Stop like, it stop it you guys I will okay, Balaj to fir mujhe feel hota hai, lekin generally mujhe lagta hai ki connection feel hota hai mujhe. I've only met Balaj once, we never talked, हमारी कभी हाँ लिटरली वो पहली दफा हुई थी डिब्रीफ पे, हमारी एक दफा हुई थी, वी डिड बॉन्डेड ओवर स्पोर्ट्स या कि हमारा थोड़ा सिमिलर गम था, हम वो स्पोर्ट्स के बेचारे फैंस हैं जिनकी कभी भी यू नो वो हमें मिलती रहती हैं, इवेंट किया था तो वो किया था, एंड उसके अलावा मेरी मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। सो जब आपकी वन टाइम होती है ना तो यू नेवर रियली नो द पर्सन, ट्रू, सो बट व्हेनेवर आई सी हिज कंटेंट लाइक whatever they are doing, like even that video jo usne abhi last YouTube pe dali hai with Aamna, there is not much, like it's very snippet, but that's how they generally are in life as well, so it's like you know you see it and you'll be like ye banda aise hi hai, ha original hai, bahut original hai, like or raw content na, because the short format content is also very raw. Pehli baar gum hour pe guest rone laga hai, this is why we started this show guys, yeah, it's not matlab ab wo jo short format bhi bana rahe hai na, the thought behind that short format content is just to be you know whatever they are shooting or jo bhi us waqt kar rahe hain camera, wo to I agree, I was talking about connection, I don't feel connection, okay. I don't feel connection in terms of wo content, short format, हाँ connection की बात नहीं करी short format content की, I'm giving it to you like props to you that whatever you make in short format content as well, it's original, हाँ it's original and it is very nice, yeah it's very nice, that's what I'm saying, इतनी बार मैं dark videos बार बार देख रहा हूँ तो मैं कहती हूँ यार मेरे लिए इतना content नहीं, हाँ yeah it's really fun to watch it, like you have this vibe that you give through your videos as well, like you know you're अच्छा हो जाता है, I think ये चीज़ पहले भी हमने discuss की थी, yeah you're a vibe, ये चीज़ मैं thank you भाई, ये मुझे बहुत लोगों ने कहा है and I don't really understand it, ek ye cheez ke vibe wali aur dusra ke people say ke we want to be your friend, which is a very unusually nice compliment, cuz yeah, like it's really nice compliment, because like I don't know what to make of it, cuz I don't know those, because people, because you are a professional fun haver, we have established that by the end of the podcast that you are a professional fan. You are a professional fan. But jo aap keh rahe the na ki you don't really understand when people say this, like ye wali cheez, if you are very honest, if you are really showing your personality, people will like it. True. Kyunki log judge kar lete hain, like we can judge if someone is being fake or not, like we can see, like judge karne mein to hum bahut acche hote hain, ha waise bhi hum bahut acche hain, but no, and no, you can pick it na, vibe hum kyun kehte hain, vibe is like something that you feel in your gut, right, that feeling hai ki yaar this person is being original or is just carrying out like you know a very ek show hai bas, so aapko mehsoos ho jata hai, and aap kitni der tak ek show chalega, aap kabhi fake nahi kar sakte na, bahut time baad you do show your original and then Varda have met you for the first time, like and I think she can say the same for you, shout out Varda, Yusra, king people, but shout out to Balaj for coming आपकी बायो के अंदर लिखा होना चाहिए।
सो बलाज की जो प्रोफाइल की बायो चेंज हुई है ना, वो गम आवर में चेंज हुई है। ओह माय गॉड, इतने इतने मोमेंट्स हमारे यहां पे हो रहे हैं, बहुत बहुत फेमस हो जाएंगे ना। तो गाइस रिमेंबर रिमेंबर अस या एंड देन फैशनेबल फन हैवर। ये सब हो सकता है लेकिन ये नहीं ठीक हो सकता। फिर आप लोग मुझे कहते हैं जब मैं कहती हूँ कि इनकी बैटल में ये नेचुरली आया। असल में वो जो है ना सैयदा सुंदसा सैयदा उसका नाम असल में लाइक याद होगा तो तब कट जाता है, वरना वर्दा अली मुझे याद है लेकिन सैयदा बोल दो ना। ऐसा ही है, सही है इस बात का। नहीं नहीं गम हो तो इट मींस इट मैटर्स, इट डजंट मैटर। शी सेड गम हो तो उसका मतलब है इट मैटर्स, इट डजंट मैटर। ओह माय गॉड, गॉड किसी की जिंदगी में से तो निकला। लग नहीं रहा ऐसे, लग नहीं रहा ऐसे। आप थे कभी जिंदगी में? इतनी कुछ प्राइमी नहीं पाली। इट्स नेचुरल लाइक इट्स बस। पॉडकास्ट से पहले आप यहाँ पर थे ना, बैठे हुए थे, देखा कितना फर्क पड़ा था बंदे को मेरे होने से। तो आई डोंट वांट टू से वर्ड्स बिकॉज यू हैव सीन। ओके गाइस, आई ट्राई टू रैप इट अप बिफोर दे गो रेली। Wow. So, शेर पर आते हैं बलाज के पास, जो बहुत से गम है ना जो बलाज को चाहिए नहीं था बलाज के पास आ गया। अच्छा, तो शायद खुशी का भी दौर आएगा एक दिन। शायद खुशी का भी दौर आएगा एक दिन। गम भी तो मिल गए थे तमन्ना किए बगैर। बस बस यार, बस एंड हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया। बंद करो इसको, बंद करो। रैप अप, रैप अप। हर कोई एक एक बंदा एक एक शेर सुनाए ना। नहीं आप सुना दे, आपने सुनाना है तो मुझे कोई शेर नहीं आता। नहीं आप हमें शेर की फॉर्म में बता दें आपको कैसा लगा आज का गम आवर। चैलेंजिंग थोड़ा सा हो गया होगा, थोड़ा सा हम इतनी हम इतनी देर से तारीफें कर रहे हैं अपनी नाले। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर माय फादर बिकॉज़ ही इज अ शायर और मुझे शेर नहीं आता। आई थिंक वो बोलने लगे थे दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग पॉडकास्ट। आई वेंट टू फार विद माय इमेजिनेशन। आई डोंट नो, गुलों में रंग भरे बाद। आप कह रहे गम आवर के लिए कहना चाह रहे हैं कि एक मुद्दत हुई गम आवर को देखा नहीं, एक जमाना हुआ मुस्कुराए हुए। क्या बात है, अच्छा ये बलाज की तरफ से है आपका शेर। बट आई होप यू हैड अ गुड टाइम। आई हैड एन अमेजिंग टाइम। आई थिंक वी कैन हैव यू अगेन एज वेल, लाइक जैसे आप यहां पे। बड़ा मजा आया, वाज अभी तो बस हमने सरफेस लेवल पे टच किए हैं गम, क्योंकि हमारी अभी तो गम इतने टच ही नहीं हुए हैं। हां स्टोरी टच ही नहीं, स्टोरी थी। को होस्ट नंबर 3 हूं मैं बेसिकली। यस लाइक लिटरली आई वाज अबाउट टू से कि बीच में ना कुछ खुद ही सवाल, मैंने कहा यार डूइंग अ गुड जॉब, मेरा काम खुद ही हो जा रहा है। बट अपनी कार से हां जी खयाम, व्हाट डू यू डू। Okay, I actually, अच्छा मैं गेस्ट हूँ। But I really like when guests feel like, you know, this is their show as well. Like फैसल को भी बहुत मजा आया था, and then फैसल was like, you know, कि गेस्ट बेहतर होते जा रहे हैं। हाँ, like they're learning. Good, good, good. We'll have you again. What recommend? Tell us in the comments if you like to have Balaj again as well, or फिर आपको कैसी लगी, or what do you guys want us to, you know, talk about more and. मैं fake account बनाने पड़ेंगे जाके ये लिखूँगा नीचे comments. So that with that आप अपने accounts भी लिख सकते हैं, कोई और भी यहाँ पे लिखता है। प्लीज डू सपोर्ट अस, जैस कैश इजी पैसा यहाँ पे होगा, यहाँ यहाँ कहीं होगा, लाइक मुजम्मल डज इट एनीथिंग from zero kya tha shout out everything from zero to as much as you can as much as you count it's the thought that matters. aap kisko shout out dena cha rahe the? shout out jazz cash easy paisa. yeah if you give us money. yes yeah and with that let's sign off. this is Yusra Murtaza and Khayam Sajid Warda and Mohammed Balaj Khan. Bye. 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 You are watching Gamar. Thank you so much for watching. And I will see you the next one. Okay, this is the proper ending. Bye. Bye. Bye.